Yes, we are live now. Hello friends. This is मैं and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट यानी चार से पांच नंबर का टॉपिक है आपका और न सिर्फ सीटेट में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है टीचिंग का जहाँ पेडोगॉजी आती है और डेवलपमेंट नहीं पूछा जाता है ना कहीं पे दो नंबर कहीं पे चार नंबर और अगर तीस में से बात करें तो चार से पांच नंबर मिनिमम आपके इस टॉपिक से आते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये तीन चार टॉपिक हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं तो चार से पांच नंबर के लिए ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से समझें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जा चुके हैं है ना और नए ढंग से भी पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हैं जो इस बार के भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस बार आए थे दो वो भी डाले हैं तो समझते हैं कहानी क्या है बाकी हम जो थर्टी आउट ऑफ थर्टी सीरीज़ में सेट्स लगा रहे हैं वहाँ भी क्वेश्चंस जो हैं इसी टॉपिक से या अलग अलग टॉपिक से नए नए क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस सब मिल करके आपके सामने आते रहेंगे आज भी बड़ी दुविधा में थी जब इस जो ये पूरा चैप्टर प्रपरेशन लेसन प्लानिंग जब मेरी चल रही थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे जो टीम को भेजे हुए थे कि आप इनको जो है देख लीजिएगा टाइप करके भेज दीजिएगा और वो बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अनगिनत हैं डेवलपमेंट पे इतने क्वेश्चंस हैं क्योंकि चार से पांच क्वेश्चन हर एक सेट में आते ही हैं और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस पर क्वेश्चन बनाए बहुत जा, जा जा, सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ मैचुरेशन डेवलपमेंट लर्निंग इसके अलावा लर्निंग डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है हेरिडिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इतने सारे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट तो इतने सारे टॉपिक्स एडोलेसेंस उसकी भी स्टेजेस हैं फिर अलग अलग तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसे एक टॉपिक में समय हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यदि ये टॉपिक आप प्रीवियसली मैराथन सेशन से पढ़ चुके हैं मेरे ही या नोट्स जो फ्री आपको दिए हुए हैं या बैच से पढ़ चुके हैं है ना तो बैचेज में भी क्योंकि हम ये डिस्कशन करते रहते हैं तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं कहानी क्या रहेगी डेवलपमेंट की आप क्या करेंगे पोल में जवाब देंगे सारे क्वेश्चन मतलब मैंने कोशिश की है कि थर्टी टू के आसपास क्वेश्चन हैं कि वही जो अपना एवरेज रहता है डेली के थर्टी क्वेश्चन का उतना ही क्वेश्चन करें बाकी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आने वाले सेशन में देखने को मिलते रहेंगे जब हम मिक्सड क्वेश्चन कर रहे होंगे चलिएगा खैर समझते हैं लगभग लग सारे ही टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं पेपर में लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे इसके अलावा थोड़े से हम लेट हैं ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको डेली के डेली मिलता रहेगा कल वाले सेशन का नहीं मिला है वो मिल जाएगा ठीक है।, है ना लेट्स लर्न के बैचेज जो है आपके ऑन गोइंग है जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी अगर आप अभी एनरोल कर रहे हैं तो अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं बातें करते हैं थोड़ी सी कम देखिएगा ये सवाल आपके सामने था देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कीजिए प्रयास फटाफट से जवाब दीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है 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 क्या कहता है ये question? ये question कहता भाई ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन द पीरियड इन दीरियड इनलाइज नॉर्म्स आर क्वेश्चन ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप यूजली बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन फैमिली मेंबर्स इस पीरियड को क्या कहेंगे जब विकास की वह अवधि जहां आंतरिक मानदंडों को यानी इंटरनलाइज नॉर्म्स को क्वेश्चन करता है एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल और ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप जो साथी समूह की जो दोस्तों की सलाह है ओपिनियन है उनका नजरिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार से अब आप समझ गए होंगे है ना इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स क्या होते हैं भाई इंटरनलाइज नॉर्म्स वो चीजें होती हैं जो हमने समाज से अपने अंदर भरी हुई हैं एक तरह की कंडीशनिंग या कंडीशनिंग से भी एक लेवल ऊपर जब हम चले जाते हैं मतलब भाई शादी करके लड़कियों को अपना घर छोड़ना ही होता है लड़कों के घर जाना होता है ये क्या है एक इंटरनलाइज नॉर्म है जो लोग इस चीज को क्वेश्चन कर पा रहे हैं कर रहे हैं इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं अभी एक मूवी आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उसने इस चीज को क्वेश्चन इस पर लगाया है थोड़ा सा है ना या जेंडर जब हम पढ़ते हैं तब भी हम इस पर बात कर रहे हैं बात ये नहीं हो रही है कि ये सही है कि गलत है बट जो चला आ रहा है उसको क्वेश्चन करना जो इंटरनलाइज नॉर्म्स हैं है ना कि अगर हम बात करें इंटरनलाइज नॉर्म क्या है कि लड़कियां जो हैं वो घर संभालती हैं और लड़के जो ये कहता है कि आप बाहर जाइए नौकरी करके आइए और फिर घर पर आकर के सुबह नाश्ता भी बना के जाइए शाम को खाना भी बनाइए है ना तो ये क्या इंटरनालाइज नॉर्म है जो इसको क्वेश्चन करेगा अगर आपके घर में एक सत्रह अठारह उन्नीस साल का बच्चा है तो इसको क्वेश्चन कर सकता है मम्मी आप ही क्यों बनाते हो पापा भी तो काम करने जाते हैं आप दोनों क्यों नहीं साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद ले लेते हो या हमारी मदद क्यों नहीं ले लेते ले हो ले 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 ले? हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा इवॉल्व थॉट है और भी इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं हो सकती है किसी ने तो क्वेश्चन किया होगा ना कि भाई सती प्रथा चलती रहने दें किसी ने तो क्वेश्चन किया होगा तब वो रुक पाई होगी तो जरूरी होता है ये लेकिन ये किस एज में आते हैं ये क्वेश्चंस अगर आप एक बार रम गए हैं यानी आपकी एक सर्टेन एज में चले गए आपका एक वैल्यू सिस्टम बन गया तो बहुत मुश्किल है कि उसको बदला जा सके रिजल्ट हो जाता है व्यक्ति ठीक है ना तो ये किस उम्र की बात है कि जब आप आंतरिक मानदंडों पे सवाल उठाते हैं जो भी आप मानते हैं जो भी आप जानते हैं कि अच्छा बृहस्पतिवार कपड़े नहीं धोते क्यों नहीं धोते कोई भी कुछ भी है बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? जो भी नॉर्म्स आपने इंटरलाइज किए हैं जिन भी चीजों के साथ आप बड़े हुए उन उनपे आप क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं किस एज में होता है और दूसरा क्योंकि एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है कि भैया इसके पीछे का लॉजिक क्या है अमूर्त चिंतन आप करने लगते हैं है ना तो थोड़ा सा आइडियलिज्म में आप जाते हैं ठीक तो ये किस एज की विशेषताएं हैं और जो आपका पीयर ग्रुप है उसकी जो सलाह है वो आपके परिवार से ज्यादा जरूरी हो जाती है ये इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है अडोलिसेंट्स की हो रही है यानी किशोरावस्था की हो रही है 12 से 18 वर्ष की बात हो रही है और अगर डब्ल्यू एच ओ की माने तो ये उम्र होती है कितनी वो जिसको कहा गया है उस मूवी में अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया डब्ल्यू एच ओ बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दस से उन्नीस वर्ष की जो आयु है या एज ग्रुप है उसको ये अडोलिसेंट मानते हैं किशोरावस्था कहते हैं जो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं इसी एज को स्टैनली हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया है स्ट्रेस एंड की अवस्था बताया है है एडोलेसेंस को ही है ना अगर हम पहले एज की बात कर पे इसको हटा देते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हमें जाननी है। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आपको बता दूंगी तो आगे आने वाले जो स्टेजेस के क्वेश्चन है वहां इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं और आप फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे इतने आप लोग आधी रहे हो फिर आगे स्पीड बढ़ा लेंगे इन्फेंसी यानी शैशवावस्था ये है विकास की पहली अवस्था यहाँ पे जन्म के बाद जीरो टू टू ईयर्स ठीक है जी मिडल चाइल्डहुड को हम लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं क्योंकि एज या टाइम पीरियड जो है लगभग सेम है हम छह से बारह या फिर पांच से आठ सात से ग्यारह इस तरह का आपको मिल सकता है ये अलग अलग किताबों में ठीक है ना फिर आते हैं हम थर्ड स्टेज पे अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम दो से छह वर्ष की अवस्था कहते हैं है ना थर्ड है ये फर्स्ट इन्फेंसी सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड थर्ड मिडल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड और फोर्थ है आपका एडोलेसेंस यही चार अवस्थाएं आपके स्कूल लेवल पे काम की हैं इसके बाद बच्चा इस स्कूल से निकल जाता है क्योंकि 12 से 18 के बाद आपका कॉलेज वगैरह में जाते हैं बच्चे फिर ठीक है जी क्लियर है बात बिल्कुल समझे कहानी क्या है तो किशोरावस्था अब किशोरावस्था के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं इस उम्र में परिवार से ज्यादा जो है बच्चा इसमें रहता है अपने पीयर ग्रुप में अपने दोस्तों में उसने ये बाइक ली है उसने ये आ, मेरा दोस्त तो ऐसे करता है ये करता है यहाँ जाता है ऐसे कपड़े पहनता है तो वो पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रभाव है उस पे। परिवार वाले भी एक बार दुश्मन नजर आने लगते हैं उसको लगता है नहीं मेरे दोस्त जो कह रहे हैं वो सही है ठीक है ना ये एज ही वैसी है तो अगर हम कहें इंटरनलाइज नॉर्म्स पे क्वेश्चन मार्क करना अब इसके बहुत सारे गुण हैं ये तो हुई आज की क्लास की बात देखिएगा एक बार अगर हम देखें यहां पे तो काफी चीजें हैं जो अडोलेशन के बारे में जानना जरूरी है एक बार में रिवाइज कर लेते हैं एक क्वेश्चन अडोलेशन से हमेशा आता ही है ठीक है ना adolescence बोले तो किशोरावस्था एज ग्रुप क्या है फिर से बताओ एज ग्रुप है हमारी बारह से अठारह वर्ष इतना ट्वेल्व टू एटीन ईयरस नॉर्मल केस में और अगर हम बात करें क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होंगे जो अलग अलग एज इसमें कुछ लोग इसको टीन एज कह देते हैं जिसको हम थर्टीन टू नाइनटीन ईयर टीन एज है ना थर्टीन फोर्टीन नाइनटीन तक फिर ट्वेंटी हो जाएगी या ट्वेल्व तक तो टीन शुरू नहीं होती तो थर्टीन टू नाइनटीन कह देते हैं कई बार हम कि प्यूबर्टी हिट होती है इस अवस्था में डब्ल्यू एच ओ की अगर हम मान रहे हैं तो दस से उन्नीस वर्ष ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे ये मैं बार बार इसलिए भी आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मैं पहले से ही बताती आई हूँ बट जब नए क्वेश्चन वो आ जाते हैं तब जा करके हमें लगता है कि नहीं यार इन पर तो ध्यान दे लेना चाहिए था नहीं तो हमें लगता है कहानी चल रही है ठीक है ना तो बारह से अट्ठारह वर्ष किशोरावस्था इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं क्या कहते हैं ट्रांजिशनल यानी परिवर्तन का काल ट्रांजिशनल पीरियड इसके बहुत सारे नाम है ट्रांजिशनल पीरियड ट्रांजिशन किसके बीच में इंसान से जानवर के बीच में नहीं वो एनिमल मूवी देख के घबरा नहीं जाना है ऐसा नहीं है ट्रांजिशन है ये बच्चे से चाइल्ड से ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन किसके बीच में एक बच्चे से क्योंकि 12 साल से पहले क्या है बच्चा क्या लाएगा बाल्यावस्था चल रही है लेटर चाइल्डहुड तक और बच्चे से अडल्ट में ट्रांजिशन एक वयस्क में ट्रांजिशन और जैसे ही वो एडोलेसेंस से निकलेगा तो वो एक वयस्क बन जाएगा है ना 18 प्लस हो जाएगा क्या बन जाएगा वयस्क बन जाएगा ठीक तो इसके बीच का काल इसलिए इसको ब्रिज पीरियड भी भी कहते हैं पुल जिसको हम कहेंगे ये भी पूछा जा चुका है ये दोनों ही बातें पूछी जा चुकी है सीटेट में भी और वैसे भी अनगिनत एग्जाम्स में भी ठीक है जी तो ट्रांजिशनल पीरियड या ब्रिज पीरियड किसको कह रहे हैं हम एडोलेसेंस को कह रहे हैं क्यों क्योंकि ये बीच का ट्रांजिशन है या इसको एक और चीज कहते हैं थ्रेशोल्ड पीरियड थ्रेश होता है दहलीज ठीक है ना चौखट थ्रेश होल्ड पीरियड यानी बच्चा जो है वो दहलीज पे खड़ा है कहां किसके अडल्ट हुड की दहलीज पे खड़ा है यानी इस चौखट को पार करके वो एक वयस्क बन जाएगा और इससे पहले वो चाइल्ड है और बीच में क्या है अडोलसेंस किशोरावस्था तो ये दहलीज है थ्रेश होल्ड है ब्रिज है ट्रांजिशनल पीरियड है ठीक है ना और कब से स्टार्ट होती है तो सिंपल सी बात है ये भी ध्यान में रखेंगे हम ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही बच्चे में प्यूबर्टी आना शुरू होती है हम कहेंगे भाई किशोरावस्था हो गई है शुरुआत किशोरावस्था की है ना इसको आप यौवन अवस्था कह लीजिए है ना प्यूबर्टी मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो उसके डेवलप होने शुरू हो गए हैं या अब वो आ, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे चाहे वो लड़कियों में या लड़कों में आवाज का बदलना हो दाढ़ी मुंह छाना हो लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो इस तरह के बहुत सारे बायोलॉजिकल परिवर्तन भी आ रहे होते हैं और साइकोलॉजिकल परिवर्तन भी इसीलिए क्योंकि इतने सारे परिवर्तन एक साथ आ रहे हैं तो इस एज को तनाव और तूफान की अवस्था का है क्योंकि बच्चे में बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी बच्चा तो क्या कहें ना तो वो बच्चा है ना वो बड़ा है इस उम्र में है ना तो बहुत सारे परिवर्तन इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकल फिजिकल इतने सारे चेंजेस हैं हर प्रकार के कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म उसको लगता है कि तनाव और तूफान की अवस्था है फ्रस्ट्रेशन है ना ये सारी चीजें यहाँ होती है फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी रिवोल्ट का काल फीलिंग ऑफ रिवोल्ट ये फीलिंग ऑफ रिवोल्ट से ही ये क्वेश्चन बना था जिसमें कहा गया कि जो नॉर्म्स हैं इनको वो क्वेश्चन करना शुरू करता है यानी विद्रोह की भावना कि भाई ये ये हो क्या रहा है समाज में ये परिवर्तन होना चाहिए ये चेंजेस आने चाहिए इस समय पर आप दुनिया बदलना चाहते हो और फिर एक समय के बाद अगर सच में बदलना चाहते हो तो ठीक है अगर इस उम्र की आग रह जाती है जिस व्यक्ति में वो अपना करता है बहुत सारे परिवर्तन जिनको लगता है हाँ ठीक तो है यार दुनिया क्या बदलना है है ना

भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो ये करूंगी है ना तेरी बाइक का पेट्रोल फ्री जिस दिन से मैं प्रधानमंत्री बनी तेरी बाइक का पेट्रोल फ्री अपने दोस्त को कह रही है या कह रहा है बच्चा है ना तो ये क्या है फैंटेसी या डे ड्रीमिंग है खुली आंखों से सपने चाहे कोई उसका एक्शन जीरो भी ना हो उस तरफ है ना ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता व्यक्ति बट एक्शन चाहे जीरो हो कि भाई देखियो तेरा भाई तेरी बहन फर्स्ट आएगी क्लास में और बहन जो है पढ़ती नहीं है पांच मिनट भी बैठ के रील्स देखती है कहां से आएगी फर्स्ट तो ये है डे ड्रीमिंग देख यू तू बस है ना तो डे ड्रीमिंग इसलिए फेंकते भी बहुत है बच्चे इस उम्र में डे ड्रीमिंग फैंटेसी ये फैंटेसाइज करना हीरो वर्शिप हीरो वर्शिप वीर पूजा जिसको हम कहते हैं उसका भी काल है ये क्यों कोई मूवी देख ली आइडियल्स होते हैं बेसिकली इस समय में हमारे प्रेरणा स्रोत कह लीजिए आप एक तरह से आइडियल्स होते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है हमें किसी और के जैसा बनना है हमें कोई हमें साइना नेहवाल जैसा बनना है किसी और के जैसा बनना मतलब इतने सारे आइडियल्स आपके हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपको आपने न्यूज में देखा दाऊद इब्राहिम को और आपने कहा यार इससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है है ना बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आइडियल्स हो सकते हैं इसलिए जरूरी है कि हम वर्शिप किसको कर रहे हैं इस उम्र में टीन में या अडल्ट में उस पर ध्यान दिया जाए है ना कि अगर आपके आइडियल्स ही वो हैं कि अगर आइडियल हैं कबीर सिंह की मूवी देख करके उस मूवी का कैरेक्टर कबीर और एनिमल मूवी देख करके आइडियल बन गया बच्चे का क्या रणबीर कपूर का जो 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 भी 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 नाम है उस कैरेक्टर का है ना हालांकि ये एडल्ट यानी ए रेटेड मूवीज हैं दोनों ही लेकिन अगर किसी ने किशोरावस्था में देख ली तो क्या होगा और गलती से हीरो वर्शिप करने लग गया उस कैरेक्टर को या तेरे नाम देख के सलमान खान को हीरो वर्शिप करने लग गया तो वो फिर उस तरफ निकल जाएगा और गलत अगर हम पाथ पे एक बार निकल गए इस एज में स्पेशली तो क्रिमिनल टेंडेंसीज डेलीक्सी जोवेनाइल डेलीक्वेंसी यह सब इसी स्टेज में होती है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का या आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड है पह, पहचान का संकट कहा है किसने एरिक्सन ने एरिक Eric एरिक्सन ने पहचान का संकट आइडेंटिटी क्राइसिस है अगर नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बन गई तो क्या होगा बच्चा क्रिमिनल टेंडेंसीज में इन्वॉल्व हो सकता है यदि वो खुद को ही अच्छे नजरिए से नहीं देखता और अगर पॉजिटिव आइडेंटिटी उसकी फॉर्म हुई है तो वो बेहतर एक एडजस्टमेंट कर पाएगा पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन मुझे बनना क्या है मैं वोकेशनल एंग्जाइटी इस उम्र में होती है यानी कि मुझे करना क्या है मैं क्या वोकेशन क्या व्यवसाय चूज करूंगा इसलिए आप देखते हैं करियर काउंसलिंग वगैरह भी इस उम्र के बच्चे को नाइन टेंथन ट्वेल्थ क्योंकि टीन वाला टाइम है दिया जाता है काफी वोकेशनल एंग्जाइटी बोले तो व्यावसायिक चिंता ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई हमारी ठीक है जी इतनी बात क्लियर है तो ये बेसिक बेसिक और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं आपके इस एज में एक होता है आपका बुलीनिया जिसमें आप लगातार खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उल्टी ना कर दें और दूसरा होता है लड़कियों में पाया जाता है जनरली के जिसको हम कहते हैं एनरॉक्सिया नर्वोसा जनरली सीट में नहीं पूछा जाता है बट आपको याद होना चाहिए पता कुछ नहीं है आजकल कहां से क्या पूछ ले तो एनरॉक्सिया नर्वोसा होता है आपका फास्टिंग कर रही हैं गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है उनको लगता है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है फिगर है वो खराब हो रहा है तो हम क्या करें फास्टिंग करते हैं यानी व्रत रखते हैं खाती नहीं है 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 तो वो ईटिंग डिसऑर्डर क्रिमिनल टेंडेंसीज भी इसी उम्र में डेवलप होंगी यदि गलत पाथ पे बच्चा चला गया है ना जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भाई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है आपराधिक प्रवृत्ति वो बच्चे जो जुवेनाइल किसको कहते हैं हम जो 18 साल से कम है लेकिन आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न पाए गए हैं चोरी टीचर को कुछ और कर दिया आपने ऐसे न्यूज में सुनी होंगी चीजें कि भाई छुरा गोप दिया कुछ और हो गया इस तरह की आती है ना कुछ एक्सट्रीम घटनाएं तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इस उम्र में क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव और तूफान है इतनी ज्यादा एनर्जी एक तरह से कह लीजिए आप संचारित हो रही है तो जुवेनाइल डेलीक्वेंसी यानी आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ भी जो रुझान है तो ये एज ऐसी एज है जहां आपको बच्चों के साथ डिस्कशन या उनके साथ दोस्त बनना जरूरी है ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई और आपको याद होगा वो निर्भया केस में भी जो है एक तो कोई व्यक्ति जो जुबेनाइल था तो इसके इन जुबेनाइल को क्या होता है सुधार गृह में भेज दिया जाता है और आ, मतलब इनकी सजा क्योंकि 18 साल से कम है तो इनमें हम मानते हैं कि भाई सुधार की स्थिति ज्यादा होगी बट एक्सट्रीम केसेस में तो क्या ही कहें चलिए खैर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एडोलेसेंस के बारे में है अभी आगे कई सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे मैंने बहुत सारी बातें आपको एडवांस में बता दी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर जवाब दीजिएगा फटाफट से पढ़िए इसको seeing that their son Ravi was interested in reading and could read at the age of 3 his parents got him a lot of books due to his parents encouragement Ravi's reading was highly advanced as per his age ek bachcha hai Ravi जो तीन साल में पढ़ना पढ़ने लग गया था तो माँ बाप ने देखा इसका तो पढ़ने के प्रति जो है रुझान काफी है है ना तो उन्होंने बहुत सारी किताबें उसको लाके दी वैसा environment उसके लिए create किया कि जिस तरफ इंटरेस्ट है अगर किसी बच्चे को देखा कि भाई मान लीजिए विराट कोहली को देखा होगा या सचिन तेंदुलकर को देखा उनके ब्रदर ने कि भाई या जिन्होंने भी कि इनका जो रुझान है वो खेलने कूदने में ज्यादा है तो उस तरफ उनको उस अकेडमी में लेके यानी जो आपके अंदर एबिलिटी है उसके जैसा एनवायरमेंट भी दे दिया ठीक है ना तो अब इससे क्या हुआ बच्चा जो रवि है वो अपनी एज के बच्चों से कहीं आगे निकल गया पढ़ने में क्यों क्योंकि उसका इंटरेस्ट था और एनवायरमेंट भी वैसा ही मिल गया ठीक है ना ये क्या है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दी अब एग्जाम्पल उपरोक्त उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत का अनुमान लगाया जा सकता है यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का फटाफट से बताइएगा और हम बढ़ेंगे फिर आगे अच्छे क्वेश्चन हैं आज काफी एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे कोशिश कीजिए काफी क्वेश्चन बीच बीच में बिल्कुल नहीं डालें सेकेंड डे के मैम प्लीज सेकंड डे के लिए टॉपिक पहले ही क्लास एंड होने पर बता दीजिए आई एम न्यू लर्नर टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे पहले से ठीक है निशु आज से हम ये काम कर लेंगे मैं आपको एडवांस में बता दूंगी आज से ही डोंट वरी ठीक है जी चलिए आते हैं देखिए कोई कह रहा है फॉर्मल से इनफॉर्मल जाना जो है कोड मिक्सिंग है स्विचिंग है कोड स्विचिंग है वो ऑफिशियल आंसर की में भी स्विचिंग ही है अगर आप चेक करेंगे तो मैं इससे मतलब अच्छे से है ना इस चीज़ को रूड मत समझ लीजिएगा कई लोगों को लगता है मेरी आवाज़ में थोड़ा दम है तो कहीं ईगो ज़्यादा है अभी हमारा परसेप्शन होता है सामाजिक रूप से हमारा ये इंटरनालाइज नॉर्म है

या पूर्वानुमान पूर्वानुमान पूर्वानुमा, पूर्वानुमानित नहीं होता विकास होता है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है उसको माहौल मिलेगा तो अच्छा पढ़ पाएगा ऐसा तो नहीं है डेवलपमेंट इज प्रोक्सीमोडिस्टल यानी समीपस्थ है समीपस्थ दूरस्थ विकास जिसको हम कहते हैं नियर टू फार जाता है यहां ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात थोड़ी हो रही है यहां यहां तो बच्चे के कॉकनेटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है ये तो विकास की दोनों दिशाएं हैं लेकिन यहां शारीरिक विकास की या गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट की या फिजिकल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ बच्चे के कॉग्नेटिव की बात हुई है पढ़ना जो है लैंग्वेज का जो विकास है वो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट संज्ञान मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ठीक है ना शरीर से थोड़ी तो डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इसका मतलब बच्चे में एक हेरिडिट्री एबिलिटी थी या इनेट एबिलिटी थी उसको एनवायरमेंट में हमने भरपूर मौका दिया तो क्या हुआ बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है आज हम शाम को पढ़ भी रहे थे ना बैच में किसका प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड का आपकी जेनेटिक्स आपकी जेनेटिक मेकअप कि आप में जेनेटिक एबिलिटी है आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं आपको एनवायरमेंट या ट्रेनिंग अच्छी दिलवाई तो मिलकर के जो है अच्छा डेवलपमेंट होगा तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का ही रोल इसमें है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर देखिएगा और जवाब दीजिएगा विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कॉम्प्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताओं में से प्रत्येक शामिल है स्वतंत्रता की स्थापना यानी इंडिपेंडेंस फ्रीडम चाहिए बच्चे को इस स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान का डेवलपमेंट विकास होना कि मैं कौन हूं भाई मेरी भी चलनी चाहिए घर में थोड़ी सी है ना मैं भी अपनी बात कह सकता हूं मेरी भी ओपिनियन हो सकती है है ना और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन ये इतने बड़े बड़ी बातें हैं जहां आइडेंटिटी वर्ड आ जाए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ जाए इंडिपेंडेंस की बात आ जाए इसका मतलब किशोरावस्था की सिंपल बात हो रही है अभी हमने इतनी कहानी किशोरावस्था के बारे में ही गाई थी यानी बारह से अट्ठारह जिसको हम तनाव एवं तूफान का काल या किशोरावस्था कहते हैं ठीक है ना तो क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस यहीं पे है अभी हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन यानी जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाएगा गहनता से सोच पाएगा तभी तो इंटरनालाइज नॉर्म को क्वेश्चन करेगा मैं हूं कौन आइडेंटिटी फॉर्मेशन ये भी इसी स्टेज में होता है ठीक है ना एरे Eric करेक्शन ने इसकी बात की थी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर फोर एडल्टुड आपको जनरली कभी चूज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पेपर में अडोलसेंस तक के ही क्वेश्चन आते हैं वो बस दिखाने के लिए होता है नाइनटी नाइन आज तक तो ऐसा आया नहीं है अजर्शन की अगर हम बात करें अभी कथन अडोलसेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन एंड डिबेट इन दी क्लासरूम यानी जो किशोरों को कक्षा में चर्चा और वाद विवाद के भरपूर मौके मिलने चाहिए कोई एक बच्चा है जो अपने विचार लेकर के आ रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं दूसरा बच्चा है जो अगेंस्ट प्रो और एंटी में डिबेट होती है ना कुछ लोग होते हैं जो एक साइड चूज करते हैं कुछ होते हैं दूसरे तो कर, कक्षा में मैंने अभी बताया था बच्चों का दोस्त बनना है बारह से अट्ठारह में तो क्या होगा यहाँ पे वाद विवाद चर्चा का मौका आपको देना है ना कि उन पर थोप देनी है चीजें ठीक है ना नहीं तो फिर विद्रोह आएगा फिर वो आपसे कटने लगेंगे एज अ टीचर एज अ पेरेंट जरूरी है कि आप इन्वॉल्व हो उनकी थिंकिंग को समझें और समय के साथ बदलें भी तो ये बात तो ट्रू है कि उनको काफी सारे मौके देने चाहिए चर्चा के वाद विवाद के क्लासरूम में बच्चे एक्टिव रहेंगे और जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है सीधा सा फंडा है कि बात सही हो रही है रीजन की अगर हम बात करें इसका रीजन क्या है कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स रूम फॉर नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड शेयरिंग ऑफ मल्टीपल व्यूज यानी जो कोलैबोरेटिव अधिगम है यानी सहयोगात्मक अधिगम जिसमें बच्चे कोलैब करके है ना करके कैसे मिलजुल करके सीख रहे हैं सहयोग करके सीख रहे हैं कि वो डिस्कशन कर रहे हैं टीचर्स भी शामिल हैं उनके दोस्त भी शामिल हैं क्लासमेट्स ठीक है ना तो सहयोगात्मक अधिगम की बातचीत और अर्थपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करता है यदि हम मिलजुल करके सिखाएंगे तो बेहतर सीख पाएंगे दोनों बातें सही है भाई ये भी सही है ये भी सही है और ये इसके लिए भी सही है है ना दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है क्या हो गया पैचअप सिंपल बात आगे बढ़ते हैं यही है ना हाँ ठीक है इस दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लगा कभी उल्टा ना लिखा हो हमने फ्लो फ्लो में टिक कर दिया हो देयर लाइफ स्पेन यानी मनुष्य जो है वो अपने पूरे जीवन काल में गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्ष में नई चीजें सीखने और याद रखने में क्षमता सक्षम होते हैं मतलब अभी आप जिस भी एज में आप सीख पा रहे हैं संज्ञानात्मक मतलब मेंटल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव जिसको हम कह रहे हैं जिसमें हमारी जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग इमेजिनेशन अटेंशन मेमोरी परसेप्शन सैकड़ों चीजें हैं जो जो भी काम दिमाग से होगा वो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में आएगा ठीक है ना इसमें हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं करने वाले कि फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल पीसीएससी नाम के चार प्रकार होते हैं वो तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूं है ना तो अगर हम बात करें ह्यूमंस जिस तरह से आज के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है तो ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स भाई हम नई चीजें किसी भी एज में सीख सकते हैं आप अब अभी अगर पढ़ रहे हैं जान रहे हैं तो सीख सकते हैं आप नई चीज़ें दिमाग भी आपका प्लास्टिसिटी होती है डेवलपमेंट में हमेशा सीखते रह सकते हैं आप परिवर्तित होता रहेगा और मोटर डेवलपमेंट भी आपका हो सकता है यानी मोटर डेवलपमेंट में भी चेंजेस संभव है भाई आपको डांस नहीं आता आपने तीस की उम्र में डिसाइड किया मैं डांस सीखूंगी है ना एक मैं इंटरनेट पर शायद स्टोरी देख रही थी कोई महिला थी या हैं आई थिंक और उनका जो है वो पचपन साल में उन्होंने बाइक चलाना सीखा है जब वो रिटायर हो गए या उनको लगा आप मुझे जीवन में अपने सपने पूरे करने हैं है ना तो ये क्या हुआ मोटर डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है वो बाइक चलाना तो गत्यात्मक जिसमें दौड़ना भागना कूदना जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं तो आप सीख सकते हैं ऐसा थोड़ी मोटर डेवलपमेंट रुक गया एक उम्र के बाद तो ये बात तो सही है इसका रीजन क्या है आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी ईजीली चेंज इन लेटर ईयर्स यानी गंभीर रूप से वंचित बचपन यदि आपका रहा है तो उसके परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है यानी अगर बचपन में खाना पीना नहीं मिला शरीर शा, ठीक से विकसित नहीं हो पाया अंडर नरिस्ड रह गए कोई चोट लग गई या फिर जिस उम्र में जिस क्रिटिकल पीरियड में जिस सेंसिटिव पीरियड में भाषा को अच्छे से सीखा जाना चाहिए था नहीं मौका मिला सीखने का या और आपको शरीर शार, आपका डेवलप होता अच्छे से खाना पीना चाहिए था वो नहीं मिला तो उसको बाद में नहीं परिवर्तित कर सकते आप है, है ना अगर सीवियरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड है जैसे आपने वो अब्दू नाम के व्यक्ति को सुना होगा बच्चा तो नहीं है वो दिखते बच्चे जैसे वो माल न्यूट्रिशन के शिकार रहे है ना आमिर खान भी पहले ऐड किया करते थे टीवी में आती थी जब मैं छोटी थी कि कुपोषण से बेसिकली बच्चों को ब, बचाना है क्योंकि अगर एक सही उम्र में उनको पोषण ठीक से नहीं मिला तो शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा तो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते कि आप एक बच्चा जो कुपोषित रह गया उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई उसका ठीक से अगर ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया किसी कारणवश क्योंकि पोषण नहीं मिला ट्रेनिंग नहीं मिली तो बाद में आप कुछ भी करके ज्यादा खिला के वो ठीक नहीं कर देंगे तो इरिवर्सिबल होती है चीज़ें है ना विकास क्या है इन रिवर्सिबल रिवर्सिबल नहीं है परिवर्तन ऐसे नहीं कर सकते हो चेंज ला सकते हो बस तो ये बात तो एकदम गलत है और ये बात यहां सही थी तो ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग ना तो ये इसके लिए सही है ना अपने लिए सही है अब स्टेटमेंट ही खराब है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझने में सी ऑप्शन कह रहे हैं थर्टी सेवन परसेंट लोग हाँ ठीक है ए इज बट आर इज फॉल्स कि भाई हम जीवन काल में सीख सकते हैं अपने संज्ञान पे अपने मोटर डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बचपन में सीवियरली डैमेज या डेमेज वंचित बचपन रहा है जिसमें खाना भी ठीक से नहीं मिला या कोई चीज अगर रह गई अधूरी तो बाद में नहीं ठीक कर सकते आप उसको क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट यानी निम्नलिखित ये अर्ली डेवलपमेंट वर्सेज लेटर डेवलपमेंट की बहस भी है कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो शुरुआत के जीवन का विकास है दस बारह साल का वो पूरे जीवन पे छाप छोड़ता है आपके जीवन के जो भी अनुभव हैं ये बात आपके एरिक एरिक्सन भी कहते हैं वो आपको आगे तक छोड़ेंगे नहीं है ना अगर आपका बहुत ट्रोमेटाइज बचपन रहा है जिसमें आपने बहुत ऐसी घटनाएं देखी हैं आसपास इवन वो बच्चे जो युद्ध के समय पर बड़े हुए हैं इवन वो वो बच्चे जो आजादी के समय पर बड़े हुए थे उस टाइम पे विद्रोह चल रहा है मान लीजिए या कुछ और चीजें चल रही हैं वो जीवन भर उन मेमोरीज से फ्री नहीं हो पाते हैं वो एक डर या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो रहेगा जीवन भर साथ क्योंकि वो क्रिटिकल टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का सेंसिटिव है संवेदनशील है आप उस समय पर तो रिवर्स नहीं कर सकते आप उस चाइल्डहुड वाली प्रॉब्लम को अगर कुछ दिक्कत हुई है तो तो इसलिए कोशिश करनी होती है कि बचपन हम अच्छा दे पाए बच्चे को ठीक है ना कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट दे पाए मीनिंगफुल एन्वायरमेंट दे पाए जहां सुगम वातावरण दे पाए जहां वो पल फूल पाए बच्चे 65 परसेंट लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं चलिए समझते हैं कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का जो कहता है द डिवेपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा करके बच्चे का विकास रेखी न नह, होकर के वह पीछे मुड़ता है और फिर आगे जाता है यानी डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर बट स्पाइरल यानी वर्तुलाकार होता है विकास आगे पीछे आगे पीछे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट यानी वर्तुलाकार उन्नति का सिद्धांत यूनिफॉर्मिटी तो होती है पूरी दुनिया में एक जैसी स्टेजेस होती है एक पैटर्न है जो विकास का सारी दुनिया के बच्चे फॉलो करेंगे जैसे बच्चा पहले बैठना सीखेगा फिर खड़े होना सीखेगा ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसने खड़े होना पहले सीख लिया हो बैठना बाद में सीखेगा या दौड़ना पहले सीख लिया हो चलना बाद में सीखेगा एक पैटर्न है जो पूरी दुनिया में फॉलो होगा ठीक है ना या पहले पक्के दांत निकल आए हो बाद में दूध के दांत निकल रहे हैं तुम्हारे तो नहीं निकले थे है ना

डेवलपमेंट इज डिस्किन्यूस जब तक प्याजे ना लिखा हो तब तक डिसकॉन्टिन्यूस के चक्कर में नहीं पड़ना विकास सतत होता है इज देयर बाकी सब के लिए ये सतत है इतनी बात क्लियर है तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट के विकास जो है एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में ना होकर के लीनियर ना होकर के कैसा होगा डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर ये वर्ड याद रखेगा घूम जाएंगे कई लोग ये आ जाता है पेपर में यानी लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन ये कैसा कोमा है भाई कोमा नहीं है कॉमन है मेरे भाषा को विकास को पता नहीं क्या हो गया आजकल देखिएगा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कैसी होती है वो मूवीज में देखा होगा ना आपने कि भाई अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो दिखाते हैं ऐसे बीप 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 करके जब तक जिंदा होता है ऐसे 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 चल रही होती है जो आपकी हार्ट बीट है और नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है मूवीज में या सीरियल्स में और धुम तना बचता है पीछे से या वॉट तो लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता विकास स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि आज दो हुआ दो ही कल होगा दो ही परसों होगा है ना ऐसा नहीं हो सकता तो ये स्ट्रेट लाइन या रेखा में नहीं होता एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है विकास सीधी रेखा में नहीं होता रेखीय ना होकर के स्पाइरल है यानी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलेगा क्या है इस आगे पीछे का मतलब 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 क्या है ये स्पाइरल स्पाइरल है एक आप स्कूल में कराते हो ना जाकर के मतलब स्कूल में तो क्या ही कराते हो जाकर के कॉलेज तो वगैरह में कराया होगा वो स्पाइरल होती है ना फाइल बनवाने के लिए फोटो कॉपी का स्पाइरल बनवाते हो तो स्पाइरल यानी वर्तुलाकार आगे पीछे आगे पीछे जाएगा विकास यहां से शुरू हुआ मान लीजिए आगे बढ़ा फिर पिछली अगली स्टेज में जाकर के थोड़ा रुकेगा कंसोलिडेट करेगा यानी बेहतर पकड़ बनाएगा अपनी और फिर आगे बढ़ेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मान लीजिए आपके पहले दांत निकले बच्चे के वही दूध के दांत वाला एग्जाम्पल लेते हैं दांत निकले बच्चे के अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो दांत झड़ना शुरू होंगे दूध के दांत निकलेंगे यानी पहले दांत निकले थे इसका मतलब आप फॉरवर्ड मूव किया आपने ठीक है ना डेवलपमेंट आगे बढ़ा अब वो दांत जब निकलने शुरू हुए तो डेवलपमेंट पीछे जा रहा है या और पीछे जाके या तो रुकेगा आराम करेगा और अगली स्टेज में पक्के दांत आएंगे तो वो फिर से आगे जाएगा है ना जैसे एक स्टेज में बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है दूसरी स्टेज में जैसे मैं अगर बात करूं इन्फेंसी की अर्ली चाइल्डहुड की तो हाइट में तेजी से परिवर्तन हो रहा होता है लेकिन लेटर चाइल्डहुड जो छह से बारह वर्ष की अवस्था है गैंगेज जिसको हम कहते हैं वहां पर हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती लेकिन आपकी हड्डियों में मजबूती ज्यादा आ रही होती है आपके मोटर डेवलपमेंट उछलना कूदना दौड़ना भागना यह बहुत अच्छे से कर रहा होता है बच्चा इसका मतलब हाइट आगे बढ़ी फिर रुकी अब फिर से नेक्स्ट स्टेज में में आगे बढ़ेगी तो ये आगे पीछे ये सही ये याद रखने हमको। आगे बढ़ते हैं तो ये स्पाइरल एडवांसमेंट की बात है आगे बढ़ेंगे dash dash ये इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा अच्छे से इसमें आपको कंफ्यूज करने के सारे ऑप्शंस बनाए हुए हैं फटाफट जवाब देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे धन्यवाद प्रियंका डब्ल्यू बी डाइट क्लियर हो गया भाई अच्छा अमित मंडल बहुत बढ़िया चलिए आते हैं इधर वापस से और क्वेश्चंस करते हैं अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं नए भी देखिए समझते हैं क्योंकि चीज़ों को समझना जरूरी है क्वेश्चन क्या है भाई फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि यानी शरीर का बढ़ना एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल भौतिक वृद्धि और या शारीरिक वृद्धि और विकास फॉलो करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी टॉप डाउन अब यहीं पे गड़बड़ हो गई प्रोक्सीमो डाउन नहीं होता सेंटर टू नियर टू फार होता है तो ये यही तो यही गड़बड़ हो गया सेफल इकॉर्डल को इनर टू आउटर कह दिया जबकि ये इसके लिए सही होगा डिस्टल के लिए और सेफोलिकॉर्डल के लिए ये सही होगा तो शुरुआत में गलत है सॉरी डिफरेंशिएशन यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ये उल्टा नहीं होता इंटीग्रेशन में भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं आप इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन का सिद्धांत क्या कहता है आपसे इंटीग्रेशन का सिद्धांत कहता है बच्चा जब सबकी शक्लें देख करके जब आपने देखा होगा बचपन में मुस्कुराना शुरू करता है जो भी फेस देखेगा हाँ हा, उसने अभी सीखा है इंटीग्रेट करके आ, आपके फेस को आपकी आंखों को इमोशन को सबको एक साथ जोड़ करके मुस्कुराना सीखा है हर चेहरे को देख करके मुस्कुराएगा या हर आ, महिला को देख करके मम्मी कहेगा और हर पुरुष को देख करके पापा कहेगा जो सेम एज के होंगे रफली बाद में वो डिफरेंशिएट करने लगता है कि जी सारे माता पिता नहीं हो सकते दुनिया में जितने भी महिला और पुरुष हैं है ना वो फिर अपने ही माँ बाप को माँ बाप कहेगा बाकी सबको नहीं है ना ये सबके साथ होता है यानी शुरुआत में वो इंटीग्रेट करना सीखता है फिर वो डिफरेंशिएट करना भी सीख जाता है है ना कि पहले वो हर चेहरे को देख के मुस्कुराता है और एक टाइम के बाद वो सिर्फ अपनी माता के चेहरे को या अपने पिता के चेहरे को या जो फैमिलियर फेसेस हैं घर के परिवार के उन्हीं को देख के मुस्कुराएगा स्ट्रेंजर को देख के नहीं मुस्कुराता फिर वो है ना तो इंटीग्रेशन है जब आप सबको जोड़ करके एक एक्शन सीख रहे हैं और डिफरेंशिएशन है जब आप डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं ठीक है ना बात तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात ऐसी है फिर एक टाइम के बाद वो मां की स्मेल को भी पहचान पाता है जबकि वो पहले शुरुआत में सूंघना अलग से सीखता है ये सब अब मैराथन होगी तब मैं बताऊंगी बहुत कहानियां इसके बारे में बट इतना ठीक है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंटी का मतलब ये नहीं है इंटीग्रेशन का कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ भी मतलब जो इनका मन कर रहा है वो ये कह रहे हैं यहां पे सेफेलोकॉर्डल यानी टॉप डाउन हेड टू टो लंबोवत कहते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल और प्रोक्सीमोडिस्टल इनर टू आउटवर्ड नियर टू फार ये दोनों दिशाएं होती हैं और आपके ऐसे ही वर्क करती हैं सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल है ना

प्रोक्सीमो इसको सेफेलो कॉर्डल सेफेल का मतलब ये खोपड़ी ठीक है ना सफेल मतलब ये आपकी खोपड़ी तो सेफेल से कॉर्ड की तरफ यानी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इसमें मत जोड़िएगा वैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी यानी जो बाकी धड़ है आपका उसकी तरफ सर से पैर की ओर हेड टू हेड टू सेफेल मतलब खोपड़ी हेड टू टो तो, यानी विकास जो है शुरू होता है हेड से और टो तो, यानी पैर के अंगूठे पे जाकर के खत्म होता है ठीक है ना यानी आप जब गर्भ में भी होते हैं के तो पहले आपका सर विकसित होता है फिर बाकी के आपके ये गर्दन वाला पार्ट और फिर आपका या, मतलब सर के बाद आंखें और ये सारी चीजें फिर आगे आपका गर्दन वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट फिर आपका धड़ वाला पार्ट यानी आपके पैर बाद में विकसित होते हैं तो ये हमारी दिशा रहती है डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत जिसमें दो दिशाएं होती है दिशाएं क्या है पहली सेफेलोकॉर्डल और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल ये दो दिशाएं हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है ठीक है ना प्रोक्सीमो डिस्टल इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोक्सीमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं उसको अब ये हेड टू टो को लंबवत देख रहे हो ना आप ये आपने जो लंब पढ़ा होगा कभी वो पढ़ा हो तो मैथ्स में हमने बेसिकली पढ़ा है जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं लंब कहते हैं हिंदी में लाल बटे कक्का से याद रखते थे तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है लंब है ये वर्टिकल है इसलिए हम आपको हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी कह देते हैं ये पूछे जाते हैं मैं मजाक में नहीं बता रही हूँ आपको ऐसी गला फाड़ने का कोई ऐसी है नहीं आजकल तबियत तो भी खूब डाउन रहती है उम्र हो गई है <laughs> मजाक कर रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत इसको हम कहते हैं हेड टू टो भी कहेंगे और अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरा जो है सेफेलो वो है नियर टू फार नियर कहा बॉडी के सेंटर से जब आप गर्भ में होते हैं तो पहले बॉडी के सेंटर के आसपास की जो चीजें हैं वो डेवलप होती हैं सेंटर में क्या है आपका हार्ट यानी आपका दिल डेवलप होगा आपकी रीढ़ की हड्डी वो आपका बॉडी का सेंटर है है ना ये वाली चीजें पहले डेवलप होती है फिर आपके सेंटर से यानी आपकी बॉडी के सेंटर से यानी आपका दिल हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी हुई फिर यहां से बाहर की तरफ यानी फिर आपके ये शोल्डर्स डेवलप होंगे फिर आपके ये वाला पार्ट डेवलप होगा बाद में उंगलियां डेवलप होंगी ये है सेंटर टू पेरीफेरी ये आपके गर्भ में भी ऐसे होता है और बाद में भी अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है जन्म के बाद भी मान लीजिए वो तीन महीने के आसपास अपनी तो गर्दन संभालना सीख रहा है फिर उसके बाद सबसे पहले वो सर संभालना सीखता है फिर गर्दन पे कंट्रोल आता है आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है उसको लेते हैं अगर डेढ़ महीने का बच्चा है दो महीने का इवन छह महीने तक भी हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं के जब हम लेते हैं तो उसकी गर्दन पर हाथ लगा लेते हैं कि कहीं गर्दन इधर उधर ना हो जाए क्यों क्योंकि अभी सर संभालना सीखा नहीं है तो सर पे पहले कंट्रोल आएगा गर्दन पे कंट्रोल गर्दन कंट्रोल करना सीखेगा फिर आपके बाकी पार्ट खड़े होना बैठना सीखेगा फिर खड़े होना सीखेगा ये हेड टू टो जा रही है सिर से पैर की की ओर जा रही है 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 दिशा जो है विकास की, है ना अगर हम बात करें दूसरी ओर जो दूसरा सिद्धांत है वो कहता है सेंटर टू पेरीफेरी यानी बच्चा पहले आपके कंधों पर कंट्रोल आएगा उसका फिर जाकर के उसका ये जो एल्बो है कोहनी उस पर कंट्रोल आएगा फिर आपकी पूरी आर्म पे है ना और फिर हैंड पे कंट्रोल आएगा हैंड के बाद वो उंगलियों पर कंट्रोल करने लगेगा यानी जिसको हम कहते हैं ये जनरल टू स्पेसिफिक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो आप कह सकते हो जनरल टू स्पेसिफिक बोले तो या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स मतलब पहले बच्चा जो है वो सामान्य क्रियाएं करना सीखेगा यानी पहले आप उसको कुछ देंगे वो पूरी हथेली से पकड़ेगा बाद में इस हथेली से कंट्रोल कहा जाएगा इन उंगलियों पे तो शरीर के बाहर बाहर की ओर नियर क्या है आपका सेंटर बॉडी का नियर टू फार या केंद्र से सीमाओं की ओर सेंटर टू पेरीफेरी प्रोक्सीमो डिस्टल है तो इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था इस बार भी ये दोनों क्वेश्चन मैंने डाले स्पेशली इसलिए थे कि ये अच्छे हैं इनको समझना जरूरी है क्योंकि इनको अगर आप कर लेंगे तो आसान क्वेश्चन तो वैसे भी कर लेंगे देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पेट की तो इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश वाइल इन मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश तो दो चीजों की बात हो रही है ग्रोथ और थिंकिंग की ग्रोथ का मतलब क्या है शारीरिक वृद्धि शरीर का बढ़ना भाई ग्रोथ मतलब फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विकास का शारीरिक पार्ट को हम ग्रोथ कहते हैं शारीरिक हिस्से को विकास के तो अगर हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड यानी दो से छ वर्ष अर्ली चाइल्डहुड हुड दो से छे वर्ष ठीक है ना विकास की चार अवस्थाएं अभी हमने डिस्कस की थी आपको याद आ रही हूं तो सी ऑप्शन थर्टी टू परसेंट लोग जवाब दे रहे हैं ठीक है ना बात चलिए आपस में बातों में मत लगो पेपर पास में है पढ़ लो है देखिए एक बार अगर हम बात करें यहां पर तो अभी हमने चार स्टेजेस पढ़ी थी एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ एक मिनट लेकर के है ना ये जितना रिविजन हो जाएगा उतना अच्छा है पेपर में कन्फ्यूज नहीं होगा ये मत सोचना हमें तो पता है सब कुछ है ना जिन्हें सब कुछ पता है वो खतरनाक लोग हैं दुनिया में इनफेंसी यानी इससे पहले होती है प्रीनेटल या प्रेगनेंसी पीरियड बट वो आपके पेपर में जनरली नहीं पूछी जाती वो जो ईसीसी वाले एग्जाम्स होते हैं वहां एक बार को पूछ ली जाती है तो सीटेट में तो नहीं देखते हम वो पूछा जाए कभी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था जन्म से दो वर्ष टू इयर्स तक की जो एज है आपकी वो आती है इन्फेंसी में चैश्वावस्था जिसको हम कहते हैं फिर चाइल्डहुड आ जाता है लेकिन इसको दो भागों में बांटा हुआ है बाल्यावस्था को अर्ली और लेटर चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था दो से छह वर्ष जिसको हम टॉय एज कह रहे हैं जिसको प्री गैंग एज कह रहे हैं जिसको हम प्ले वे एज कह रहे हैं और भी सत्तर चीजें कह रहे हैं ठीक है जी इमिटेट करेगा बच्चा यहां पे फिर आता है आपका लेटर चाइल्डहुड हुड ईगो सेंट्रिक भी यहीं पे होगा अर्ली चाइल्डहुड में ही लेटर चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड बोले तो छह से बारह वर्ष गैंग एज है स्कूल एज है क्योंकि छह वर्ष के बच्चे को तो पहली क्लास में आप एडमिशन दिलाते हैं है ना उत्तर बाल्य अवस्था लेटर चाइल्डहुड समूह में रहेगा यहाँ पे फिर आता है एडोलेसेंस यही चार अवस्थाएं हैं जो आपके काम की हैं इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है अपने एग्जाम के लिए 12 से 18 वर्ष ठीक है अब इसमें अगर देखा जाए तो तीन ही अवस्थाएं क्योंकि चाइल्डहुड को दो भागों में बांट दिया हमने सिंपल याद रखो इन्फेंसी चाइल्डहुड और अडोलसेंस यही तीन बातें याद रखनी है अब चाइल्डहुड को भी बांट दोगे तो दो से छह और छह से बारह सिंपल बात ठीक है ना तो चलिए समझते हैं खैर कि अभी इसको समझने में हम देखेंगे अभी किस स्टेज में कौन सी जो ग्रोथ है वो तेज रहती है कम रहती है वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अच्छे क्वेश्चन इन अर्ली चाइल्ड हु से छह वर्ष में ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि जो है वो कैसी होती है अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा अपने मन के हिसाब से नहीं क्यों क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है इसी में से चार ऑप्शन में से एक उत्तर सही होगा ठीक इज स्टडी यानी स्थिर होती है देखिए स्थिर बना तो सकते थे लेकिन स्थिर जनरली नहीं होगी अर्ली चाइल्डहुड एक बार को लेटर चाइल्डहुड कह देता तो हम मान जाते अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया था कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या है थोड़ा स्थिर होती है कुछ टाइम तक धीरे आपकी वृद्धि आपकी हाइट बहुत तेज नहीं बढ़ रही होती लेकिन आपकी हड्डियों में मजबूती आ रही होती है छह से बार वर्ष में तो स्टडी तो नहीं होती है बट फिर भी चलो हम बाकी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास चार ही ऑप्शन है इनका बस चले तो ये जैसे चाहे मोड़ देंगे थिंकिंग इज लॉजिकल देखिए अर्ली चाइल्डहुड में लॉजिकल नहीं होती थिंकिंग छह से बारह वर्ष में होती है दो से छ में नहीं होती इसका मतलब ये तो यही गड़बड़ हो गया आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज हां स्लो होती है लेकिन कब से इन्फेंसी की तुलना में स्लो होती है जन्म से दो वर्ष में जितनी तेजी से बच्चे की बच्चे का शरीर बढ़ रहा होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में दो से छ में चलो स्लो हो गई किसकी तुलना में इन्फेंसी की तुलना में तेज अभी भी है ठीक है ना ग्रोथ एंड थिंकिंग इज लॉजिकल भैया थिंकिंग लॉजिकल नहीं हो सकती दो से छ में छह से बारह वर्ष में होगी अर्ली चाइल्डहुड में थिंकिंग नहीं लॉजिकल हो सकती इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज हाँ ग्रोथ चलो हमने मान लिया क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं बढ़ने का और स्टडी होगी नहीं है ना स्टडी होगी नहीं अगर हम देखें तो ग्रोथ क्या है स्लो होगी एंड थिंकिंग इज सम वट ईगो सेंट्रिक यानी कुछ हद हाँ तक जो है अहम केंद्रित होती है थिंकिंग प्याजे भी कहते हैं बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता दो से छह में बिल्कुल सही बात है इगो सेंट्रिक होगी ठीक है ना वाइल्ड इन मिडल चाइल्डहुड हुड मिडल चाइल्डहुड क्या है छह से बारह लेटर चाइल्डहुड का ही एज पीरियड आप कॉपी कर दीजिए मिडिल चाइल्डहुड में जब आपको दिक्कत हो तो ठीक है ना तो मिडिल चाइल्डहुड में क्या है ग्रोथ इज स्टडी हाँ यही बात तो हम कर रहे थे कि थोड़ी धीमी हो जाती है लेटर चाइल्डहुड में हड्डियों में मजबूती आ रही है लेकिन हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी अडोल्सेंस में बढ़ेगी थिंकिंग इज लॉजिकल हाँ यहां पे थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है इसका मतलब सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है इसको फिर से समझ लेंगे एक बार पूर्व बाल्यावस्था में विकास जो है धीमा होगा धीमा कब से शैशवावस्था से जन्म से दो वर्ष में जितनी तेज था उससे थोड़ा कम हो गया चिंतन कैसा होगा अभी अहम केंद्रित है तार्किक नहीं हो सकता यानी सेल्फ सेंटर्ड है खुद को ही सेंटर में रखता है बच्चा ठीक है ना जबकि मध्य बचपन यानी पांच से बारह छह से बारह जिसको उत्तर बाल्य अवस्था भी कह सकते हो विकास क्या है थोड़ा धीमा हो जाएगा स्थिर हो जाएगा मैं कहूं क्योंकि इससे भी और धीमा हो जाता है स्थिर हो जाता है बहुत ज्यादा हाइट बढ़ती दिखती नहीं है आपको बच्चे की उसकी हड्डियों में मजबूती आ रही होती है दौड़ना भागना वो सब वो अच्छे से कर लेता है छ से बारह वर्ष का बच्चा स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे से इन्वॉल्व होता है और चिंतन क्या तार्किक बन जाएगा चिंतन तार्किक बन जाएगा लॉजिक आ जाता है ये तो प्याजे भी कहते हैं ठीक है ना तो हम ये कहेंगे धीमी है कुछ हद तक अहम केंद्रित स्थिर है और तार्किक है यही यहाँ पे सही बैठ पा रही है चीज चलिए खैर आगे बढ़ते हैं मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगी पोल अभी मत देना एक मिनट एक हल्की सी बात बतानी है फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे कि ये जो हमने चार स्टेजेस पढ़ी हैं यहाँ पे सिंपली देखो इन्फेंसी में बहुत तेज है जो वृद्धि है यानी फिजिकल डेवलपमेंट शरीर की जो हाइट वगैरह है बच्चे की जो वृद्धि है शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है इन्फेंसी से थोड़ी कम हो जाती है स्लो डाउन हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड में दो से छह वर्ष तक आते आते है ना आप देखते हैं बच्चा एक साल में दो साल में एकदम से चलना शुरू कर दिया है ना इतना सा तो था जब हुआ था है ना आप हर हर महीने बदलते देखेंगे बच्चे को जन्म से दो वर्ष के बीच यानी बहुत तेज है शारीरिक वृद्धि अर्ली चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूं तो अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा धीमी हो जाती है ऐसा नहीं है कि तेज नहीं है लेकिन इन्फेंसी के मुकाबले कम है तो इसलिए हमने कहा था कि स्लो डाउन हो जाती है उस ऑप्शन में और लेटर चाइल्डहुड छह से बारह की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बहुत ही स्लो हो जाती है डबल स्लो मान लो आप इसको यानी स्टडी हो जाती है स्थिर हो जाती है आपको लगता ही नहीं कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है जबकि उसकी हड्डियों में वेट आ रहा होता है ठीक है ना डबल स्लो हो गई अडोलोसेंस में अचानक से फिर बढ़ेगी अडोलोसेंस में फिर से बढ़ जाएगी जैसे वो बारह से अट्ठारह टीन में आएगा उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो गए दिमाग में परिवर्तन होना शुरू हो गए तो फिर से बढ़ेगी यानी इन्फेंसी में तेज है ठीक अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्पीड कम हुई लेटर चाइल्डहुड में स्थिर ही हो गई स्टेग्नेंट हो गई कहीं ना कहीं और अडल्ट साइंस में फिर से बढ़ी ठीक है ना अप डाउन अप डाउन इसको आप एरो के साथ समझ सकते हो अप फिर फिर डाउन इसको स्टडी कह देंगे हम ठीक है वुमेन को कोई रिलैक्सेशन नहीं होता भाई कट ऑफ का यहाँ कोई सीन नहीं है क्योंकि आपका किसी से कंपटीशन ही नहीं है आपका खुद से कंपटीशन है आपको नब्बे नंबर लेकर के आने यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, में और आपको 82 मार्क्स लेकर के आने यदि आप

आर्म्स uh, यानी आपकी uh, बाहों का आपकी टांगों का यानी आपके आर्म्स लेग्स इन सब का यूज जैसे चलना फिरना दौड़ना उछलना भागना ये सब आपके ग्रॉस मोटर में आते हैं फाइन मोटर क्या है आपकी आंखें और आपके हाथ हाथ की उंगलियों की जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन लिखना पढ़ना ये सब फाइन में आते हैं है ना तो अगर हम देखें डी ऑप्शन एट्टी वन परसेंट कह रहे हैं ये तो एकदम आसान सा सवाल है पूछा भी गया था ये हर बार किसी ना किसी बस ऑप्शन बदल देगा आपके सामने जवाब यही होगा देखिए तेरा की अब स्विमिंग में मैं जब भी हम डिस्कस करते हैं मैं एक बात बताती हूँ कि स्विमिंग में ऐसा नहीं आपकी आंखें इस्तेमाल में नहीं आ रही है या ये आपके हाथ बिल्कुल स्थिर हो गए हैं लेकिन स्विमिंग में सबसे ज्यादा जो योगदान है आपकी टांगों का है और आपकी इन बाहों का है बजाय की इन उंगलियों के तो ज्यादा योगदान देखना है जैसे ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो ड्राइविंग में ऐसा नहीं है आपका दिमाग यूज नहीं हो रहा है आपकी आंखें यूज नहीं हो रही है आपके हाथ यूज नहीं हो रहे बट पैर यानी आपकी जो टांगे हैं और आपकी बाहें हैं उनका रोल ज्यादा है तो ड्राइविंग भी क्या बन जाएगी ग्रॉस मोटर स्किल बन जाएगी जबकि बुनाई बुनाई कढ़ाई ये सब क्या है सिलाई ये सब फाइन मोटर स्किल्स यानी आपकी उंगलियों की मसल और आपकी आंखों की मसल तो ये फाइन मोटर स्किल जब आप कुछ काट रहे हैं पेपर पे तो वो भी फाइन मोटर स्किल जब आप धागा पर रहे हैं सुई में तो वो भी फाइन मोटर स्किल्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आता ये मतलब ये घुमा फिरा करके क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा

लड्डू सा क्वेश्चन था एक्जेक्टली देखिएगा एक बार डी ऑप्शन सेवेंटी सिक्स परसेंट लोग कितने दिन बाद लड्डू याद आया पता नहीं कितने सालों से नहीं बोला है लड्डू सा क्वेश्चन देखिएगा यद्यपि विकास के क्षेत्र कुछ पहलुओं में से पहलुओं में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं यानी भाई फिजिकल जब आप गाड़ी चला रहे हैं मान लीजिए आपका शरीर शार, भी एक्टिव है दिमाग भी एक्टिव है जब आप बात कर रहे हैं आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं जो आप सोच रहे हैं उससे आपकी थिंकिंग में दिमाग भी है इमोशनल डेवलपमेंट भी यानी विकास के जो चार पहलू हैं फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल इसमें तीन ही है मुख्य तो फिजिकल फिजिकलिव सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है तो अगर पूछा जाए कितने प्रकार है विकास के आप कहेंगे तीन लेकिन अगर ऑप्शन में तीन नहीं है तो चार पे लगा दीजिएगा अगर अलग अलग दिया हुआ है फिजिकल सोशल इमोशनल तो चार हो जाएंगे साथ में देगा तो तीन है तो नंबर तीन है लेकिन वैसे चार हैं फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल और इसी सीक्वेंस में चीजें होती हैं फिजिकल फिजिकलिव सोशल इमोशनल फिजिकल मतलब शरीर संज्ञानात्मक ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला हल्के क्वेश्चन आज डाला नहीं है ये वाला देखिएगा डी ऑप्शन लोग कह रहे हैं यानी विकास के कुछ पहलू एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ओवरलैप होते हैं फिर भी विकास का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का अध्ययन करने का प्रयास करता है यानी आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स और यानी आपका खुद की फीलिंग्स को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना किस डेवलपमेंट के टाइप का पार्ट है तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के टाइप का पार्ट है सिंपल सी बात हो गई ऐसा नहीं है कि इमोशंस कॉग्निशन से जुड़े हुए नहीं है लेकिन ये ज्यादा जुड़ा हुआ किससे इमोशंस से तो ये मॉरल डेवलपमेंट होता है सही और गलत के बारे में ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉगनेटिव डेवलपमेंट का पार्ट है भाषा विकास 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 फिजिकल डेवलपमेंट 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 के के अंदर अंदर मोटर 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 आ जाता है और में ग्रॉस फाइन ये सब आते हैं संवेगात्मक या भावनात्मक विकास के अंदर आएगा खुद की भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं को समझना एक क्वेश्चन से पता नहीं कितने क्वेश्चन कितने क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी नहीं तो ये सिर्फ मैं आंसर देकर के निकल सकती हूँ यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स गेट कंबाइंड इन लेटर प्रोसेस ऑफ डिवलमेंट टू फॉर्म अ होल यानी निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बात की प्रक्रिया में मिलकर एक संपूर्ण बनाती हैं, यानी फॉर्मिंग अ होल बताइएगा यानी एक साथ मिलकर विकास की कई प्रक्रियाएं जब एक साथ मिलकर या विकास के कई प्रकार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपका आंखें आपका दिमाग यानी आपका शरीर आपका दिमाग का विकास शारीरिक विकास कोई अगर साथ में चल रहा है तो आप बात करते हुए चल रहे हैं सोशल डेवलपमेंट ठीक है थीके ना ठीक है जी सिंगर तो अगर हम बात करें ये सब आपस में मिलकर के जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं आपका दिमाग भी काम कर रहा है हाथ भी काम कर रहे हैं शरीर भी काम कर रहा है इमोशंस भी काम कर रहे हैं हंस रहे हैं बात कर रहे हैं किसी से यानी इंटीग्रेशन कहते हैं इसको जब आपके विकास के सभी पहलू एक हो जाए मिलकर के एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करें तो इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं सेफेल टो -to है ये नियर टू फार है कॉन्टिन्यूटी लगातार लाइफ लॉन्ग चलेगा वोम टू टूम ये प्रिंसिपल्स हैं आगे बढ़ेंगे तो एक एकीकरण का सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिएगा फटाफट से वैल्यूज आर पार्ट ऑफ आवर डैश बिहेवियरल सिस्टम यानी जो मूल्य है वो हमारे व्यवहारात्मक प्रणाली का हिस्सा है बट कैसी व्यवहारात्मक वैल्यूज क्या होती है भाई मैं झूठ नहीं बोलती ये मेरी वैल्यू है है ना या मैं चीट नहीं करती किसी को ये मेरी वैल्यू है तो ये क्या वो मूल्य है हमारे जीवन के कि हमने अपने लिए सेट किया हुआ है कि भाई मुझे किसी के साथ चीट नहीं करना या मुझे झूठ नहीं बोलना जीवन में जब तक बिल्कुल जीवन पे ही बात ना आ जाए या मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप झूठ बोले मतलब जिसका नेचर नहीं है जिसकी वो वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो वैल्यू है कि झूठ बोलने से क्या होता है वो तो भगवान से भी झूठ बोल दे खुद से भी बोल दे है ना तो ये क्या हुआ सिक्सटी फाइव परसेंट लोग क्या कह रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही वो मूल्य क्या होते हैं ये वैल्यू सिस्टम किधर आएगा वैल्यूज का डेवलप होना मॉरल डेवलपमेंट में आएगा अगर वैसे पूछा जाए तो ठीक है ना तो अगर हम देखें क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे तो अफेक्टिव होता है इमोशंस का विकास तो वैल्यूज आर पार्ट ऑफ आर डैश बल सिस्टम इमोशन से जुड़ी हुई होती है भाई कोई चीज अगर कोई बच्चा है जिसने देखा है कि झूठ बोलने से किसी की जान चली गई या कुछ हो गया अब वो दो चीजें कर सकता है या तो इमोशनली वो अफेक्टिव डेवलपमेंट उसका इस तरह से होगा कि वो कहेगा गया मैं अपने जीवन में ये काम नहीं करूंगा जो मेरे साथ गलत हुआ है तो ये अफेक्टिव डोमेन से भी जुड़ गया कोग्रेटिव से भी जुड़ गया क्योंकि दिमाग से आप डिसाइड करते हैं ना वैल्यू सिस्टम अगर आपने दिमाग से पक्का नहीं सोचा कि ये मेरी वैल्यूज है तो कहां से रखे रह जाएंगे इमोशंस तो चेंज हो जाते हैं हर दूसरे दिन साइको मोटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है उसका यहाँ कोई रोल ही नहीं है फेक्टिव एंड कोग्नेटिव जब दोनों का ऑप्शन है हमारे पास तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है भाई भावनात्मक और संज्ञानात्मक आपका दिमाग और आपके इमोशन दोनों की जरूरत पड़ती है जब आप कोई वैल्यू डिसाइड करते हैं अपने लिए कि ये मेरे जीवन के मूल्य हैं कि मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा लोगों की हेल्प करूंगा वट तो ये आपने अपने इमोशंस प्लस अपने दिमाग दोनों से डिसीजन लिया है ठीक और वैसे देखा जाए तो ये मॉरल डेवलपमेंट में भी आ जाएगा यदि उस तरह का ऑप्शन होता तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कहता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल कॉर्डल आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे सिद्धांत क्या बताता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड केंद्र से बाहर की ओर जाता है भाई वो तो प्रोक्सिमोडिस्टल है प्रोक्सिमिटी का मतलब यह दायरा समीप से बाहर की ओर सीमाओं की ओर तो ये तो गलत हो गया ये तो proximo -distal है हेड टू टो बिल्कुल टो टू हेड नहीं हो सकता हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडल ठीक है ना अगर पूछ ले ड्यूरिंग एक्सेस ऑन एक्सेस कौन सा विकास होगा तो प्रोक्सीमो डिस्टल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये सब आपने पढ़ा होगा चलिए छोड़िए उस उसपे नहीं जाते हैं सेम सेम रेट पूरी दुनिया में दर पे नहीं हो सकता विकास दो सेम एज के बच्चों में भी स्पीड डिफरेंट रहती है विकास की कोई जल्दी बोलना सीख लेगा किसी को समय लगता है नेचर एंड नर्चर की बात यहाँ पे सच नहीं हो रही है कॉर्डल का मतलब यह है टू टो to सर से पैर की ओर विकास की दिशा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अडेटरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट यानी अनुवांशिकता का कारक आपको पता है डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का ऐसा नहीं है कि 50 परसेंट हेरिडिटी और 50 परसेंट एनवायरमेंट है बट वुडवर्ट कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं इक्वली महत्वपूर्ण हैं यानी कि जो आपकी हेरिडिटी आपके जीन्स हैं डीएनए में आपके जो कोडिंग हुई है जो जेनेटिक मेकअप आपका बना है क्रोमोजोम जो है वो कैरी करते हैं आपके जीन्स को एक नंबर का क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है ना क्रोमोजोम्स के द्वारा आपकी हेरिडिटी या जेनेटिक मेकअप जींस जो है कैरी होते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से वो जो तेईस जोड़े होते हैं ना गुणसूत्रों के याद होगा शाम वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे देखिएगा खैर तो वंशानुगत कारक पहचानना आपको हेरिडिटी है या तो आप कुछ भी नहीं है जो भी आपका डेवलपमेंट है या तो वो हेरिडिटी से आया या एन्वायरमेंट से या दोनों के मिलने से प्रोडक्ट से और हम कुछ भी नहीं है तो हेरिडिटी यानी आपके जेनेटिक मेकअप और एन्वायरमेंट यानी आपके वातावरण हेरिडिटी वाला फैक्टर समझाओ सोशल पॉलिसी सामाजिक नीतियां जो समाज में नीतियां बन रही हैं पॉलिसी चेंज हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी आगे फॉर दैट मैटर या समाज की कोई और पॉलिसी है तो ये एनवायरमेंट का हिस्सा है ना कि आपकी जेनेटिक्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनवायरमेंट का हिस्सा है आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो है वो एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है वो हेरिडिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी पहले ही दिन जो आपको डेमो क्लास भी मिली थी यूट्यूब पे भी और जो लोग बैचेज में भी है जैविक परिपक्वता किसका हिस्सा है इट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी यानी आपकी अनुवांशिकता से डिसाइड होती है आपकी मेच्योरिटी मेच्योरिटी क्या होती है स्पेशली यहां तो लिखा हुआ है इन्होंने सिंपल भी लिखा होता तब भी जवाब यही होता लेकिन बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिख दिया यानी आपकी बायोलॉजी आपका अकल वाली जो दाढ़ है जिसको हम कहते हैं विजडम टूथ वो कब आएगा ये आपकी हेरिडिटी डिसाइड करती है आपके दांत किस उम्र में निकलेंगे आप आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी या आपकी प्यूबर्टी कब हिट करेगी आपको वो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी से जोड़ करके हम मैचुरेशन कहते हैं कल्चरल प्रैक्टिस यानी सांस्कृतिक प्रथाएं कौन से तीज त्योहार चल रहे हैं वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है तो अगर एनवायरमेंट पूछ लेता हमसे तो हम बाकी के तीन टिक कर लेते अगर हेरिडिटी पूछा है तो ओनली सी ऐसे भी ऑप्शन आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स बना करके दे सकता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर डिवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश फटाफट से जवाब दीजिएगा देखिएगा बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट हमेशा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है प्याजे की भी स्टेज जो है पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है सात से ग्यारह बाद में एब्स्ट्रैक्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में ग्यारह से चौदह इलेवन अब तो पहले अमूर्त नहीं आ सकता पहले कॉन्क्रीट आएगा कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील किया जा सके आप पेन के बारे में सोचना तब सीखेंगे जब पहले आपको पता था आपने कभी टच फील करके देखा हो पेन ठीक है ना तो ये कॉन्क्रीट ठोस या मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर उल्टा नहीं होता ये ठीक है ना ये गड़बड़ हो गया ये गलत हो गया ऑप्शन जनरल टू स्पेसिफिक ये बात एकदम सही है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास या ग्रॉस टू फाइन जाता है स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक की ओर कि पहला पहले बच्चा किसी बर्तन को पकड़ना सीखता है ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा तो वो पहले पूरे हाथों से पकड़ करके बॉटल ऐसे लाते हैं छोटे बच्चे आप मंगाओगे कभी तो बाद में वो सिर्फ सिंपल दो उंगलियों का प्रयोग करेंगे ऐसे ले आएंगे है ना क्यों क्योंकि पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग ग्रॉस टू फाइन जा रहा है या जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य गतिविधियां रो रहे हैं तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करके रो रहे हैं बाद में सिर्फ दो आंसू लेते हैं दो उंगलियों से स्पेसिफिक हो गया विशिष्ट हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है विकास की की दिशा या ग्रॉस टू टू तो टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाती है है टो टो हेड हेड कुछ नहीं होता है, to होता एक्सट्रीमिटीज से सेंटर नहीं सेंटर से एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज होती है आपकी बॉडी का अंत सीमाएं so, तो सेंटर टू ये उल्टा नहीं हो सकता तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर आगे बढ़ेंगे आपका फेवरेट सवाल अजर्शन और रीजनिंग वाले खूब सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार चार से पांच क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं पिछले तीन बार से जब दो बार के ऑनलाइन पेपर में और तीसरी बार के ऑफलाइन पेपर में ये अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भर भर के हैं अजर्शन क्या है चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे दे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज यानी उच्च आय वाले परिवार यानी जिनके घर में माँ बाप ज्यादा पैसा कमाते हैं या जिनके घर में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनका ज्यादा है इनकम ज्यादा है आय ज्यादा है जिन परिवारों में उनके बच्चे डिफरेंट तरीके से दिन उनका गुजरता है कैसे कोई कह रहा है मैं तो आज भी चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ तो आपका वो जनरल रू स्पेसिफिक नहीं जा पाया जनरल पे रह गया खैर छोड़िए तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो एक अमीर परिवार का बच्चा हम देखते हैं उसके माता जी पिताजी सुबह उसे स्कूल छोड़ के आ रहे हैं या फिर अगर बड़ा हो गया तो कई बार तो वैसे ही चले जाते हैं अपनी ही गाड़ियों से या ड्राइवर छोड़ के आ रहा है स्कूल फिर वहां से आते ही जो है स्विमिंग क्लास के लिए जा रहे हैं फिर डांस क्लास के लिए जा रहे हैं फिर जो घर में नैनी है या वॉट वो लोग उनको खाना वाना दे ले रहे हैं वो याद कर लो आप कभी खुशी कभी गम में वो मोटू नहीं था रोहन जो आ, आ, क्या नाम ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर था अब वो अमीर परिवार का बच्चा है उसका दिन देखो कभी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया तो भेज दिया नहीं तो है ना दाई माए है फलाना ढिमकाना पूरे टेंट्रम्स हैं ये हुआ ये है ये हुआ अमीर परिवार के बच्चे का दिन वही एक लो इनकम फैमिली का जो बच्चा है उसका दिन बिल्कुल डिफरेंट होगा हो सकता है वो सुबह घर में झाड़ू लगा के जाता हो है ना क्या अपनी याद आ रही है <laughs> वो सुबह घर में झाड़ू लगा के जाता हो या जाती हो है ना आज भी यही हाल है ठीक है और आ, मुझे हंसी आ रही छोड़ो तो वो सुबह घर में झाड़ू लगाता हो बर्तन साफ करता हो या करती हो लड़कियों केस में तो स्पेशली या लड़का है तो वो कुछ ज़्यादा कुछ दूध वूध लेके आता हो मतलब समाज के हिसाब से मैं बात कर रही करूँ नहीं तो दोनों को कोई भी काम दिया जा सकता है ऐसा सब कुछ होगा फिर आके भी काम करना है है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो लो इनकम ग्रुप की फैमिली का बच्चा है और जो हाई इनकम ग्रुप की फैमिली का बच्चा है दोनों का दिन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से स्पेंड होता है है ना और छुट्टियों में घूमने जाना हो तो जो अमीर परिवार का बच्चा है वो जा रहा है कहाँ अमेरिका यूरोप में स्विट्जरलैंड चला गया कहीं और चला गया और गरीब परिवार के बच्चे नानी के घर है ना मैं मजाक में कहती थी कॉलेज टाइम पे कि यार पता नहीं कुछ तो कोई तो बोल रहा था कि हम मैं सिंगापुर घूम के आए हम तो सीमापुरी चले जाते हैं तो या सीरमपुर चले जाते हैं तो मजाक कर <laughs> इतनी गरीब वाली स्थिति नहीं थी बट आप समझ रहे भावना है कि मतलब जो स्ट्रेटा है लेकिन इतनी भी अमीर नहीं थी भाई जहां का टिकट कराया गर्मियों की छुट्टी में कहा जाओगे तो घूम के यहाँ है ना देखो तो ये क्या हुआ बिल्कुल अलग जबकि एज सेम है मेरी क्लास में पढ़ने वाली मान लीजिए कोई या एक बच्चा है जस, जो दस साल का बच्चा है अमीर परिवार का भी और गरीब का भी अब इस दस, दस साल के बच्चे का बचपन बिल्कुल अलग है इस दस साल के बच्चे से वो लोग

उसका जीवन एकदम डिफरेंट हो सकता है तो बचपन सबके लिए सेम नहीं होता इसलिए हम कहेंगे चाइल्डहुड क्या एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है समाज के द्वारा निर्मित है सोशियो कंस्ट्रक्टिव लोग मानते हैं कि एक सोशियो कल्चरल धारणा है ठीक है ना एज से नहीं डिसाइड होता ये थोड़ा सा दुखी भी करती है ये चीज चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड्स देवस बहुत लोगों के अलग अलग बचपन होते हैं सेम एज में इसका सिंपल मतलब यह है दोनों बातें यहां पे सही हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि भाई इनकम ग्रुप यानी चाइल्डहुड को यूनिवर्सल नहीं है कि दस साल का बच्चा है तो सब दस साल के बच्चे खेल ही रहे होंगे कुछ जिम्मेदारियां भी उठाते पाए जाएंगे ना, है ना दुखद है हालांकि वो कि वो आपने सुना होगा शायद कि खेलने की उम्र में खिलौनों से खेलने की उम्र में खिलौने बेच रहा होता है बच्चा इस तरह की चीजें खैर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कहता है भैया देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई बात नहीं लगा रहने दो पोल एक चीज नहीं लगा रहने दो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की मजाक से हटके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दे आर यूनिवर्सल इन नेचर यानी पूरी दुनिया में इन्फेंसी जन्म से दो वर्ष की होगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है यूनिवर्सल है सार्वभौमिक है यूनिवर्सल है इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं आपके सार्वभौमिक है जो बेहतर टीचर और खतरनाक टीचर में अंतर कर देते हैं सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है और अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड या डेवलपमेंट यूनिवर्सल है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड चाइल्डहुड की स्टेज तो आपको पता है कि दो से बारह वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों को मिला दे तो चाइल्डहुड स्टेज दुनिया भर में यूनिवर्सल है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट है ये यूनिवर्सल नहीं है अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है यहाँ चाइल्डहुड लिख लेना डेवलपमेंट की जगह

पिंसर ग्रिप होता है जब आप अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके किसी चीज को उठाने लगते हैं उसमें एक साल का समय लग जाता है जबकि जो पाम ग्रिप है वो लगभग छह महीने के आसपास बच्चे में आ जाती है ठीक है ना कि वो बॉटल पकड़ने लग जाता है अपना और वो सब तो एक बच्चा पिंसर ग्रिप का उपयोग करके यानी अंगूठे और उंगली का प्रयोग करके मटर उठाना सीखने से पहले बड़ी चीजें जैसे गेंद को हाथों से पकड़ना सीख लेता है यानी ग्रॉस टू फाइन नियर टू फार है ना या प्रोक्सीमोडिस्टल क्या कहना चाहोगे उल्टा बोल दिया था मैंने हेड टू टो होता है तो 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 ये तो नहीं होगा मैं तो आपको टेस्ट कर रही थी यू नो डेली का वो क्या हमारा इक्विलिब्रेशन का यहां कोई यूज नहीं है की थियरी में आता है प्रॉक्सिमट स्टल है सिंपल या ग्रॉस टू फाइन जी एफ जिसको आप लिख सकते हो ग्रॉस टू फाइन या जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो उसको सामान्य से विशिष्ट भी कह सकते हो समीपस दूरस्थ विकास भी कह सकते हो नियर टू फार सेंटर टू पेरीफेरी नियर टू फार सेंटर टू पेरीफरी है ना कंजर्वेशन का यहां कोई यूज नहीं है यानी पहले बच्चा सामान्य गतिविधियां करना या बड़ी मसल्स का प्रयोग बॉटल उठाना जिसमें पूरे हाथों का प्रयोग है बॉल उठाना जिसमें पूरे हाथों का प्रयोग है और बाद में उंगलियों का तो हाथों से उंगलियों पे जा रहे हैं यानी सेंटर टू पेरीफेरी जा रहे हैं या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहता है भाई फटाफट से देखिए सिटी चिल्ड्रंस वे ऑफ ड्रेस स्पीच मैनर एटसेट्रा आर इमिटेटेड बाय विलेजर्स लॉ ऑफ इमिटेशन इन्वॉल्ड हियर इज शहरी बच्चों के पहनावे बोलचाल व्यवहार आदि की नकल ग्रामीण बच्चे करते हैं यह है अनुकरण का नियम शामिल है यानी अनुकरण कैसे होता है क्या वे फॉलो करता है अनुकरण या इमिटेशन या नकल जिसको हम आसान शब्दों में कह देते हैं बताइएगा एक बार फ्रॉम हायर टू लोअर लोअर टू हायर इंटरनल टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल टू इंटरनल इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या आंतरिक से बाहर ये तो बनता नहीं है यहाँ पे कोई शरीर की बात तो हो नहीं रही है या कोई जगह की बात भी इन्होंने ऐसी की नहीं है कि गांव जो है वो इंटरनल में ही होंगे और शहर एक्सटर्नल ही होंगे तो ये तो बनता नहीं है इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं ये क्वेश्चन देख के मुझे भी लगा था थोड़ा सा बट आंसर uh, की फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन हमें पता है कि एक ही जवाब सही हो सकता है कि फ्रॉम हायर टू लोअर अब मुझे ये नहीं समझ आया कि ये मतलब हम गांव को कम थोड़ी मान लेंगे कि भाई गांव जो है वो लोअर हो गया जो कपड़े वहां पहने जा रहे हैं जो ड्रेसेस वहां पहने जा रही हैं जो पहनावा खाना रहने का तरीका वहां है वो गड़बड़ है और शहर में बेहतर है बट अगर हम इसको शायद दूसरे तरीके से देखें कि इनकम ग्रुप या जो बदलाव दुनिया में जितने भी हो रहे हैं वो शहरों में पहले आते हैं और बाद में गाँव में जा पा रहे हैं तो उस सेंस में हम कह सकते हैं इसको के उच्च से निम्न की ओर या अगर हम देखें डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो जैसे जैसे हम डेवलप्ड से डेवलपिंग वाले अगर हम देखें इंडिया में तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत लोग फॉलो करते हैं भाई अमेरिकन कल्चर है ये चीज तो इस तरह के कपड़े इस तरह की चीज़ें क्यों क्योंकि हमें लगता है वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है अब जो भी यहाँ पे सेंस है है ना अब इसको सही और गलत में नहीं बांधेंगे बट यहाँ पे सिंपल आंसर यही बनता है लोअर टू हायर नहीं कह सकते क्योंकि इनकम ग्रुप से लेकर के और डेवलपमेंट सारी चीजें पहले शहर में आ रही हैं बाद में गांव में जा रही हैं अगर उस सेंस में देखा जाए तो तो स्पीच मैनर एटसेट्रा आर इमिटेटेड बाय विलेजर्स हायर टू लोअर यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा बट ये मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं खुद गांव में तल रही हूँ खैर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इमोशन से हट के यहाँ पे डिफरेंटली बात को कहा गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट्स द टॉल कैंडिडेट फॉर अ बास्केटबॉल टीम द टॉलनेस ऑफ ऑल प्लेयर्स इज ड्यू टू देयर शारीरिक शिक्षा के एक प्रशिक्षक हैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं जो टीम के लिए एक बास्केटबॉल टीम के लिए बास्केटबॉल में थोड़ी हाइट ज्यादा हो तो बेनिफिट रहता है ना तो वो लंबे विद्यार्थियों को या लंबे उम्मीदवारों को चुन रहे हैं जिनकी हाइट ज्यादा है क्लास में या स्कूल में उन बच्चों को ले रहे हैं अब जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है जो टॉलनेस है इन प्लेयर्स की वो किस वजह से हाइट का ज्यादा होना किसकी तरफ संकेत करेगा संकेत देगा एनवायरमेंट की तरफ हेरिडिटी की तरफ मैचुरेशन या ट्रेनिंग की तरफ अब इसमें अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं एक मिनट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया आप लोग इतनी रात को इतनी संख्या में जुटे हुए हैं लाइक शेयर आप इतने करो इतने में पानी पीती देखिएगा अगर हम बात करें सेवेंटी सेवन परसेंट लोगों की तो वो हेरिडिटी कह रहे हैं जो कि बात सही भी है ना अब आप कहेंगे मैचुरेशन क्यों नहीं हो सकता जी देखिए शारीरिक जो आपकी हाइट है लंबाई आज हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाले चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो नहीं तो आज ही हम बैच में डिस्कस कर रहे थे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हेरिडिटी आपकी हाइट के लिए आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए आपके आंखों के रंग के लिए आपके बालों के रंग के लिए आपकी इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए ज्यादा जो प्रभाव होता है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें हेरिडिटी ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराती है करती है और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें एनवायरमेंट जैसे न्यूट्रिशन पोषण में एन्वायरमेंट का रोल ज्यादा है ट्रेनिंग में एन्वायरमेंट का रोल ज्यादा है एजुकेशन में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है वही हाइट है इंटेलिजेंस है बॉडी स्ट्रक्चर है आवाज है फेस है या आंखों की भी संरचना है या यह सब चीजें आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं तो अनुवांशिकता आनुवांशिकता इज दी राइट right रीजन ठीक है ना ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि एन्वायरमेंट का रोल नहीं है बट इसमें ज्यादा बड़ा रोल हेरिडिटी का है हाइट का अगर प्रॉपर एन्वायरमेंट में बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं मिला तब आप एक बार को कह सकते हो कि भाई माल न्यूट्रिशन का शिकार है बच्चा अगर नॉर्मल न्यूट्रिशन मिला है तो इसका मतलब हेरिडिटी का रोल ज्यादा है मैचोरेशन देखिए मैचोरेशन ऐसा थोड़ी है। ये सारे बच्चे जिस भी एज के होंगे अपने एज के हिसाब से तो उनकी के हिसाब से अनफोल्ड हुई होगी हाइट तो मैच्योन ऑफकोर्स हेरिडिटी का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो इसलिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे हेरिडिटी हो जाता है अगर अगर यहां पे ऑप्शन नहीं होता है साथ जा सकते थे क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये कहता है एन एडोलेसेंट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज यानी किशोर जो है वो अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित होती है किशोर में किसके प्रति अपने नहीं अपनी निष्ठा जो है उसकी किसके प्रति होती है यानी लॉयल्टी है ना लॉयल्टी किसके प्रति होती है दोस्तों के प्रति ऑफ कोर्स है ना आपके चार दोस्तों का अगर अच्छे दोस्त हैं निशा जैसे या हम लोग भी थे कॉलेज में जैसे अब तो ऐसा यही दिक्कत है तो अगर घर से फोन आया किसी भी दोस्त के और पूछा गया आपको कि क्या निशा आपके साथ है नशा तो बहुत बाद में मिली है जब ये हरकतें पहले होते थे मेरी एक फ्रेंड है प्राची तो कि क्या प्राची आपके साथ है जी बिल्कुल आंटी अभी अभी वॉशरूम गई है बस हो सकता है साथ ना भी हो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ दिल पर मतलब ना ठीक है तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है क्योंकि लॉयल हैं आप आपके खुद के माँ बाप कहें आपका दोस्त अच्छा नहीं है आप कहेंगे कैसी बात करते हो यार आप मेरे माँ बाप ही नहीं हो आज से मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बट करियर विल ऐप डाउनलोड करके रिया है ना तो क्या है आपकी लॉयल्टी जो है वो आपके दोस्तों के साथ है आपके साथियों के साथ है कि मम्मी मेरे दोस्त को कुछ मत बोल देना है ना दोस्त की बुराई सही नहीं जाएगी ठीक है ना आप पिटाई खा लेंगे अपने दोस्तों के लिए आप डांट खा लेंगे घर में आपने दोस्तों के चक्कर में क्योंकि आपकी लॉयल्टी है उनके प्रति अभी हमने क्वेश्चन किया था ना हाँ समझ गए मैम बहुत बढ़िया देखिएगा तो पियर्स ये कई बार जो है हमें भी जब डांट पड़ती थी घर में मुझे और दीदी को जब हम छोटे थे

अपराध और समस्याग्रस्त व्यवहार के इतिहास वाले किशोरों का संकेत है यानी अगर किसी एक एडोलेसेंट का बारह से अठारह वर्ष के व्यक्ति का जो व्यवहार है वो प्रॉब्लमेटिक रहा है बहुत ज्यादा रोज स्कूल से शिकायतें आती रही हैं या किसी को मार दिया पीट दिया आपराधिक प्रवृत्ति चोरी करने की प्रवृत्ति या इस तरह के जो भी आपराधिक कृत्य होते हैं उनमें अगर वो संलग्न रहा है किसी भी रूप में ऐसी कोई हिस्ट्री है एक व्यक्ति की कि उसने ऐसा किया है एडोलेसेंस में उसका एडोलेसेंस बिल्कुल भी आसान नहीं रहा लोगों का होता भी नहीं आसान लेकिन एक्सट्रीम में चला गया वो तो ये किसका साइन है आइडेंटिटी कंफ्यूजन का देखिए कंफ्यूजन होती है कि यार मैं हूं कौन मैं क्या करूंगा जीवन में इसका मतलब ये नहीं है। आप बाकी लोगों को जाकर के आप जुबे ऐसे हरकतों में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहां पे आ, जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं नहीं या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ड्रग्स स्मोकिंग या कुछ भी इस तरह की चीजें जो आपको ना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए और उस एज में तो लीगल भी नहीं है अगर बारह से अट्ठारह की बात करें तो आइडेंटिटी स्टेटस पहचान की स्थिति नहीं है होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्राइसिस पहचान का संकट इससे बेटर ऑप्शन ये पहचान का संकट में ही आ जाता लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमें दिया हुआ है नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी यानी नकारात्मक आत्म पहचान यानी खुद को लेकर के वो पॉजिटिवली नहीं देख पाते उनकी जो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव नहीं है उनकी ही नजर में कि मैं सही व्यक्ति हूं या नहीं हूं है ना अभी मैं कल परसों मूवी देख रही थी पता नहीं कौन सी मूवी थी हम तुम जब हम बहुत छोटे थे सैफ अली खान और पता नहीं कौन सी आ, रानी मुखर्जी हाँ तो वो लास्ट में अपना बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं कहीं पे और कह रहे हैं यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूं अच्छा इंसान नहीं हूं मैं बहुत खराब इंसान हूं मतलब वो व्यक्ति खुद को कैसे देख रहा है नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी कि यार मैं ठीक नहीं हूँ ठीक है ना तो अडोलसेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ डेलीकुन्सी एंड प्रॉब्लम बिहेवियर इज अ साइन ऑफ किस चीज का साइन है कि खुद की आइडेंटिटी शायद पॉजिटिव नहीं है या तो लोगों ने समझा नहीं है बहुत सारे रीजन इसके प्र, प्र, पीछे हो सकते हैं नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकंड देखिए या बचपन की घटनाएं या वो किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकंड देखिए आई तो स्टूडेंट इज एबल टू कोऑर्डिनेट हिज आइज एंड हैंड्स इन अ डांस परफॉर्मेंस द डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस इज यानी कि एक छात्र नृत्य प्रदर्शन में अपनी आंखों और हाथों का समन्वय करने में सक्षम होता है इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा विकास है यानी बच्चा डांस करते हुए उसके जो आ, हाथ हैं और आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है ना डांस में आपका जो एक्सप्रेशन है फेशियल एक्सप्रेशन है या आपके हैंड्स का जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है ना तो ये किस डेवलपमेंट के प्रकार के अंदर आएंगे आपके हैंड्स का मूवमेंट आपकी आई का मूवमेंट मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेंसरी डेवलपमेंट नहीं सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे ऐसा नहीं बाकी के डेवलपमेंट इसमें रोल प्ले नहीं कर सकते बट आपको पहचानना है सबसे ज्यादा रोल किसका है तो सबसे ज्यादा रोल है गतिक विकास का क्योंकि ये मोटर डेवलपमेंट चलना फिरना दौड़ना भागना ये सब मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है ग्रॉस और फाइन मोटर दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखेगा इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन इन इसमें घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया है इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप बहुत घनिष्ठ पक्के दोस्त है ना शोले की शोले याद कर लीजिए वो जय वीरू हाँ वो वाले दोस्त ठीक है ना वही थोड़ी देर पहले वाले दोस्त जिसमें डांट दोनों दोस्त साथ में खा रहे हैं ठीक है ना तो इसमें घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया है क्या अर्ली चाइल्डहुड में नहीं टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप्स का टाइम पीरियड है ये अस्थाई थोड़ी देर के लिए मिले किसी होटल में खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में बच्चे तीन साल के तीन से छ वर्ष के जो बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड जिसमें हम दो से छ काउंट कर रहे हैं ये मंदिर में मिले कहीं और मिल गए थोड़ी देर के लिए बात करेंगे प्ले वे में गए थोड़ी देर खेले और अपना घर आ गए इनकी ज्यादा पक्की दोस्तियां नहीं होती है टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप का टाइम पीरियड है लेटर चाइल्डहुड में फॉर्म होनी शुरू होती है आप ग्रुप्स में रहना शुरू करते हो यू जस्ट स्टार्ट टू लिव इन ग्रुप्स और एसोसिएट असोसिएट टू ग्रुप टू अ ग्रुप लेकिन अडोलेशन वो समय है जहां यहां वाली जो फ्रेंडशिप्स हैं वो लॉन्ग टर्म में चलती हैं स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो लॉन्ग टर्म में चलते हैं लेकिन ये जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो अडोलेशन का साइन है किशोर किशोरावस्था बारह से अठारह वर्ष बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता पियर्स का प्रभाव माँ बाप से भी मिडिल चाइल्ड हुड तो वही बताया आपको लेटर चाइल्डहुड वाला ही पार्ट आ जाएगा अब से बारह के बीच में क्वेश्चन नंबर पूछता तो लेटर चाइल्डहुड टोली अवस्था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिएगा और छह आठ सवाल है स्टेटमेंट ए ध्यान से पढ़िएगा इसको और स्टेटमेंट बी डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन दी ऑर्गेनिज्म विकास जीव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है यानी डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों हो सकता है यानी आपकी बॉडी के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में संरचना में परिवर्तन वो भी विकास का हिस्सा है जिसको वृद्धि कहते हैं और आपका फंक्शनल चेंजेस फंक्शनल मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस कि अब आपकी समझ बेहतर हो गई है अब आपके इमोशंस पर कंट्रोल अच्छा आ गया हर बात पर तो रो नहीं देते हैं या रोते हैं तो खुल के रोते हैं मतलब आप बेसिकली क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं फंक्शनल चेंजेस आपके फंक्शन करने की एबिलिटी बेहतर हो गई है पहले से तो स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल ये दोनों वर्ड याद रखिएगा पूछे जा सकते हैं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक या इसी को कह देते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटी क्या है आपकी हाइट का बढ़ना आपके वेट का बढ़ना शेप साइज प्रोपोर्शन बॉडी प्रोपोर्शन ये सब क्वांटिटी या फिजिकल ग्रोथ का हिस्सा है जिसको मेजर किया जा सकता है मापा जा सकता है वहीं क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी में सब कुछ मापना संभव नहीं है आपकी समझ कितनी बढ़ गई है ढाई ग्राम समझ पिछले एक हफ्ते से बढ़ गई ये नहीं कह पाएंगे आप है ना तो ये क्या है ये ट्रू है क्योंकि दोनों ही डेवलपमेंट में दोनों आ जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव चेंज जो ग्रोथ को दर्शाते हैं वो भी डेवलपमेंट का पार्ट हो गया और क्वालिटी तो हो ही गई अगर सिर्फ एक लिखा हो तो आप क्वालिटी चूज करेंगे डेवलपमेंट के लिए स्टेटमेंट बी क्या है डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ग्रोथ कैपेबिलिटी मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद इन एनवायरमेंट ये बात भी सही है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस डेवलपमेंट है सही बात है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन विकास का हिस्सा है किसी भी जीव के विकास में वृद्धि भी होती है उसकी क्षमता भी है मेचोरिटी भी है पर्यावरण के साथ बातचीत नहीं है यहां पे अंतः क्रिया होगी ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है ठीक है ना क्योंकि मेजरली क्वेश्चन जो है इंग्लिश में फॉर्म किए जाते हैं तो अगर हम यहां पे देखें तो ए ऑप्शन यानी स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज सब्सटेंशियल टू दी स्टेटमेंट ए यानी ए सही और कथन बी ए के लिए पर्याप्त है उसी क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरीके से पूछ लिया गया अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को ठीक है जी

रिप्लेस हो जाते हैं दूध के दांत चले जाते हैं और स्थाई आ जाते हैं उसकी जगह पे ये बात तो ट्रू है सही है हमें गलत चाहिए इनकरेक्ट चाहिए नॉट चाहिए स्किल ऑफ हैंडक्राफ्ट विल डेवलप हस्तकला हाँ कुछ बनाना बनाना सीख जाते हैं इस उम्र में बच्चे बारह साल की बात हो रही है ना चाइल्ड तो पोस्ट चाइल्ड जो है चाइल्ड पूरी तरह से खत्म हो गया यानी अर्ली और लेटर दोनों तो बारह प्लस ईयरस की बात हो रही है ट्वेल्व प्लस हाइट ऑफ बॉयज इज मोर टू दैट ऑफ गर्ल्स यानी 12 साल की उम्र में लड़कियों की लड़कों की हाइट ज्यादा होती है लड़कियों से मुझे क्या पता खुद सोचो लडकों से पूछो इनसे इनका सारा ध्यान लडकियों पर रहता है <laughs> ये, ये 12 साल की की उम्र में है ना तो एक बार अगर हम बात करें यानी लडकियों लंबाई लड़कों से अधिक होती है हाइट ऑफ गर्ल्स इज मोर टू दैट ऑफ बॉयज ये बात ट्रू है क्यों क्योंकि गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज भूल गए थे क्या भाई लड़कियों में मेच्योरिटी अडवल में अगर हम बात कर रहे हैं तो दो साल का अंतर रहता है लड़कियों में मेचोरिटी पहले आ जाती है और लड़कों में थोड़ा सा लेट आएगी है ना कुछ लोगों में आती ही नहीं डिस्पाइट 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 ऑफ ऑफ जेंडर जेंडर नहीं यूज करते हैं gender, ठीक है ना तो लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है यह कहना गलत होगा कि हाइट ऑफ बॉयज इज मोर टू दैट ऑफ गर्ल्स क्योंकि चाइल्डहुड के अंत की बात हो रही है यही बात अगर हम कहें अडल्टुड में या अडोलटेंस के अंत में तो हो सकता है हो क्या सकता है हो ही जाएगा कि लड़कियों की एवरेज हाइट लड़कियों से ज्यादा होगी लेकिन एट द टाइम ऑफ अडोल्स या जब अडोलसेंस या प्यूबर्टी शुरू हो रही है या फिर चाइल्डहुड खत्म हो रहा है जस्ट तो उस समय पे लड़कियों का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगी क्योंकि गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज लगभग लग दो साल का अंतर रहता है अगर प्यूबर्टी हिट कर रही है लड़को, 14 तो लड़कों को चौदह साल की उम्र में तो लड़कियों को बारह में कर जाएगी या लड़कों को बारह साल में तो लड़कियों को दस में कर जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिएगा द पर्सन इवन जन्म के समय भी लड़कियां ज्यादा मेच्योर होती हैं कुछ हफ्तों से लड़कों से पर्सन परसीव थिंग्स इन देअर रियल परस्पेक्टिव देन दे हैव डैश मेचोरिटी व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक परिपेक्ष में यदि देख पाता है तो उनके पास डैश परिपक्वता है बताइएगा सोशल मेचोरिटी है अगर सही परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव कहां बनता है समाज में समाज में लोग बनाएंगे और लोगों के दिमाग में बनेगा तो ये तो कहना गलत होगा बिहेवियर में यह भी तो दिमाग से ही आएगा मॉरल नहीं क्या होगा यहां पर क्योंकि कॉग्नेटिव तो है ही नहीं नहीं तो दिमाग में बनता है ना परस्पेक्टिव कहां बनेगा या अगर हम कहें परसेप्शन भी कहां क्रिएट होगा एक जो परिपेक्ष हम बनाते हैं वो अपने ब्रेन में बनाते हैं लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन एक ही है और ब्रेन और इमोशन एक साथ जुड़े हुए हैं अब क्योंकि पे पूछा क्या है उस पर समझते हैं थोड़ा सा द पर्सन परसीव थिंग्स इन देयर रियल परसपेक्टिव के आप परसीव कर पाते हैं चीजों को उसके वास्तविक रूप में कोई कह रहा है अरे बहुत बहुत ही बढ़िया है मैम आप तो आप तो ये आप तो वो है ना ये दुनिया भर की बातें आपको कोई मक्खन लगा रहा है और आप ये रियल परस्पेक्टिव में समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले का आपसे काम क्या है क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिनको सच में आपसे फर्क पड़ता होगा अदरवाइज मतलब की दुनिया कहते हैं है हम ठीक है ना तो और शायद ज़्यादातर लोग हम भी वैसे ही हैं वट तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि आप परसीव कर रहे हैं रियल परस्पेक्टिव में कि भाई जितना आपको आ, मतलब फ्रॉड में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छी अच्छी बातें आपसे कही जाती हैं वो याद कीजिए बहुत कॉमन फ्रॉड है एक फोन वाला कि लोगों को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपके पास एक पिन आया होगा ये है वो है तो बड़े वो सॉफ्ट बात करेंगे अगर आप रियलिस्टिक वे में नहीं परसीव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इमोशन से बह जाएंगे हाँ जी ठीक है मैं बता देता हूँ या मेरी तो लॉटरी लगे इतना पैसा आएगा मेरे अकाउंट में ये ओटीपी बता देता हूँ या बता देती हूँ इसका मतलब आप इमोशनल मेचोरिटी अभी अचीव नहीं कर पाए तो भावनात्मक परिपक्वता आपके अंदर है यदि आप सही वास्तविकता देख पा रहे हैं किसी चीज की है मतलब कि आपको किसी की सच्ची तारीफ नहीं करनी है ऐसा नहीं है सच्ची तारीफ समझ में आ जाती है एटलीस्ट उन लोगों को तो जो बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं जैसे मुझे जनरली पता लग जाता है कि कौन सिर्फ मक्खन लगा रहा है और कौन सच में वो आंखों में दिख जाता है इंसान के देखेगा एक बार जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का अच्छा सवाल है इसमें गलतियां करेंगे आप लोग देखिएगा एक बार अगर हम बात करें ए कह थर्टी सेवन परसेंट लोग समझते हैं फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि इन चिल्ड्रन एट मैक्सिमम रेट एट दूस कितने वर्ष की आयु में बच्चों का शारीरिक वृद्धि अधिकतम दर पर होती है दर यानी रेट सबसे ज्यादा है तो रेट सबसे ज्यादा कहां होगा या तो अडोलसेंस में हो सकता है या फिर आपका कहां होगा इन्फेंसी में हो सकता है ये शुरुआत में हमने बात की थी इन्फेंसी में बहुत तेज होती है ग्रोथ टू टू तो सिक्स इयर्स अर्ली चाइल्डहुड में तो स्लो हो जाता है जन्म से दो वर्ष के कंपैरिजन में तो ये तो होगा नहीं यहां तो बिल्कुल स्टडी है स्थिर है रुक ही जाएगा लेटर चाइल्डहुड में तो छह से बारह में तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए अब या तो दोनों का ऑप्शन हो हमारे पास ए और डी बोथ लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो हम जाएंगे जन्म से दो वर्ष के साथ क्योंकि सबसे तेज जो है वो अगर हम देखें जो अधिकतम दर है जो रेट है रेट नहीं समझ रहे हैं। आप जरा सा बच्चा हुआ है और दो साल में किस रेट पे बढ़ चुका है है ना तो वो रेट सबसे तेज जन्म से दो में है उसके बाद हम कहेंगे ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है चलेगा तो यहां पे भी बहुत तेज होता है अडोलसेंट में भी ग्रोथ स्पर्ट बहुत तेज होता है आपकी हाइट वगैरह बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन रेट जो है इसके कंपैरिजन में कम रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिएगा द वर्ड एडोलसेंस मींस किशोरावस्था का मतलब क्या है देखिए एडोलसेंस आया है अडोलसियर नाम के वर्ड से अडोलसियर जनरली आपकी किस्मती खराब हो तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा बट अडोलसेंस के क्वेश्चन आते खूब हैं ठीक है ना और अगर हम देखें तो अडोलसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी यानी कि आप मेचोरिटी की ओर बढ़ रहे हैं परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं जब आप परिपक्व पूरे हो जाएंगे तो आप अडल्टुड में चले जाएंगे वयस्क बन जाएंगे है ना तो टू ग्रो टू मेच्योरिटी टू थिंक क्रिएट डेवलप नहीं टू ग्रो यानी अभी आप ग्रो हो रहे हैं शरीर से दिमाग से हर तरह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं अडोलेसेंस में ठीक है ना परिपक्वता की ओर बढ़ने को किशोरावस्था कहते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन रीमा इज अ थ्री ईयर ओल्ड गर्ल ग्रोइंग अप इन एन अर्बन लोकैलिटी शी इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बोथ हर पेरेंट्स आर बिजी विद देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय बायर डोमेस्टिक हेल्प हु टेक्स केयर ऑफ हर वेल बट डज नॉट टॉक मच टू हर मोस्ट ऑफ द टाइम रीमा इज मेड टू स्लीप विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोर रिस्पांसिबल फॉर रीमाज इंपेयर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी एक बच्ची है रीमा जो तीन साल की है शहरी इलाके में पली बड़ी है माँ बाप अपने अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं रीमा को समय नहीं देते हैं उससे बातचीत करने का मौका नहीं देते हैं एक घर में आ, हाउस हेल्प है यानी एक उनकी जो है मेड कहना तो आज के समय में सही नहीं होगा बट हाउस हेल्प है जो उनको मदद करती हैं नैनी है या जो भी है केयर टेकर हैं बेसिकली बच्चे की वो उसको ज़्यादा टाइम सुलाती रहती है खाना वाना दे करके और बातचीत का मौका बच्चे को मिलता नहीं है अब वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाती बच्ची इसका रीज़न क्या है हेरिडिटी है इसका रीज़न यहाँ पे ये बात तो नहीं है कि माँ बाप को कोई दिक्कत है बोलने में है ना तो हम तो नहीं कह सकते हेरिडिटी दिक्कत है बट एनवायरमेंट में दिक्कत हमें नजर आ रही है इसमें हमें एनवायरमेंट में दिक्कत नजर आ रही है तो इसका जो मुख्य रीजन है वो एनवायरमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट एनवायरमेंट से काफी प्रभावित होता है याद रखिएगा है ना क्योंकि अगर बच्चे को आपने बोलने का अपनी बात को कहने का उसकी बात को सुनने का मौका ही नहीं दिया एक्सप्रेस करने का ना वो कार्टून देख रही है क्योंकि लैंग्वेज हम कहां से सीखते हैं एन्वायरमेंट से सीखते हैं तो ये जरूरी है कि उसको एन्वायरमेंट नहीं मिला इसलिए बच्चे का जो ये भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाया उसका रीजन यही है एक बच्चा जो बहुत बड़ी फैमिली में रहता होगा आप अक्सर देखेंगे वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाता है या वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा सब जगह पे नहीं अगर ठीक माहौल है तो और अगर सिर्फ घर में डेढ़ ही लोग हैं तो कंपेरिटिवली चांसेस हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट या तो उसको स्कूल में माहौल वैसा मिले तो भाषा जो है वैक्यूम में डेवलप नहीं होती कि एक बॉक्स में बंद कर दो भाषा के लिए एनवायरमेंट चाहिए होता है डिस्कशन का मौका चाहिए होता है तो यहाँ पे एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मत लगाइए क्योंकि हेरिडिटी का यहाँ पे कुछ देर नहीं रखा कि बच्ची को कोई दिक्कत है उसके माँ बाप को कोई दिक्कत है हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम है नहीं एवायमेंट का रोल इसमें ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर देखिएगा हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल इन नेचर लाइकवाइज द एनवायरमेंट इज डैश इन नेचर यानी हेरिडिटी क्या होती है जैविक होती है बायोलॉजिकल होती है तो एनवायरमेंट कैसा होगा फिजिकल होगा शारीरिक कैसी बात है बायोलॉजिकल से तो जुड़ गया शारीरिक साइकोलॉजिकल होगा सिर्फ मनोवैज्ञानिक होगा फिलोसॉफिकल होगा ये सब जो है सोशोलॉजिकल होगा जो एनवायरमेंट है वो सामाजिक होगा समाजशास्त्रीय होगा अगर हेरिडिटी जो है वो बायोलॉजिकल है तो एन्वायरमेंट सोशियोलॉजिकल होगा और हेरिडिटी क्या होती है फिक्स होती है बायोलॉजिकल या हेरिडिटी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हेरिडिटी इज स्टैटिक यानी फिक्स होती है स्थिर होती है आप हेरिडिटी बदल नहीं सकते आप ये कहें मेरी आंखों का रंग बदल तो वो तो लेंस लग के तो बदलेगा या आप ये कहो मेरे आ, जो होठ हैं उनको बदल दो तो वो तो प्लास्टिक सर्जरी से ही बदले जाएंगे है ना बॉलीवुड में आप देखते हैं तो ये क्या है स्टैटिक होती है हेरिडिटी से जो आपको मिल गया वो मिल गया है ना स्टैटिक यानी फिक्स्ड होती है स्थिर होती है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और वहीं वातावरण डायनेमिक है इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है पूछा जा चुका है डायनेमिक है यानी परिवर्तनशील है चेंजेबल है एनवायरमेंट तो कभी बदल दो आज गाँव में रहते हो कल शहर में रह लो इंडिया में रहते हो अमेरिका में रह लो अमेरिका, अमेरिका में रहते हो इंडिया में रह लो है ना चेंज कर सकते हो तो सोशियोलॉजिकल है एनवायरमेंट जबकि ये फिजिकल देखिए शारीरिक लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिकल एन्वायरमेंट होता है जो हम फिजिकल वो नहीं पढ़ते जिसको भौतिक हम कहते हैं पेड़ पौधे ये सब लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है उसमें सिर्फ डी ऑप्शन ही फिट बैठेगा गए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और सोशल में वो फिलोसर और वो सब आ जाएगा हाँ अभी दो क्वेश्चन और हैं क्या तुम बैठ नहीं थी कि बस ही क्वेश्चन होंगे नहीं मैंने तो आज क्वेश्चन हटाए हैं इतने सारे क्वेश्चन निकाले थे इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं लेकिन मैं आगे जब आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी वहाँ वो क्वेश्चन जो है लगा दूंगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे डर बहुत लग रहा है कोई टेंशन नहीं यार पढ़ते जाओ एक तो इन्होंने ना सीट ने टाइम ही देना बंद कर दिया है इवन टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि समय नहीं देते पहले छह महीने का समय मिलता था एटलीस्ट तीन महीने का मिलता था अब ढाई महीना भी पूरा नहीं दिया नोटिफिकेशन से अगर आप टाइम देखेंगे पेपर का और उसमें भी बिल्कुल शादियों का पीक है पैंतीस लाख शादियां हो गई हैं शायद नवंबर में ना ऐसा कुछ नहीं पता तुम्हें तुम शिकार नहीं हुई ना <laughs> <laughs> देखिए तो आधे लोग तो शादियों में बिजी थे पूरे नवंबर देखिएगा तो अगर हम देखें अ पर्सन बिलीव दैट नर्चरिंग स्ट्रांगली इंफ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इस चाइल्ड ही वुड नॉट अग्री विद द इंपॉर्टेंस ऑफ एक व्यक्ति का यदि यह मानना है कि पालन पोषण उसके बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है यानी पालन पोषण का प्रभाव ज्यादा है वह इसके महत्व से सहमत साम, नहीं वो किसके महत्व से सहमत नहीं होगा क्योंकि उसका सारा फोकस एनवायरमेंट में तो वो हेरिडिटी के यानी जेनेटिक फैक्टर्स फैक्टर पे बस आपने लगाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक काम करते हैं सेफ हो जाते हैं ऑल ऑफ द अबव लगा दो नए क्वेश्चन देखते हैं ढेर हो जाते हो ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर पे फोकस नहीं करेगा क्यों वो तो साइकोलॉजिकल फैक्टर तो एनवायरमेंट का हिस्सा और एनवायरमेंट को वो महत्वपूर्ण मान रहा है तो क्यों नहीं करेगा भाई इमोशनल फैक्टर को नहीं तो इमोशंस भी आपके एनवायरमेंट से काफी हद तक प्रभावित होते हैं

जींस कह लीजिए आप या आनुवांशिक कारक कह लीजिए जींस का योगात्मक नहीं है या फिर इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी भाई दोनों चाहिए ऐसा थोड़ी डेवलपमेंट में मतलब हेरिडिटी ही चाहिए बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ईच इन चाइल्ड यानी कि 50 परसेंट की भूमिका होती है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की डी कह रहे हैं 45 परसेंट लोग और मैंने आपको क्लियरली बताया आज भी बैच में बता रही थी और शायद यूट्यूब पर भी पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट को आप ये नहीं कह सकते पचास परसेंट हेरिडिटी की भूमिका है पचास एनवायरमेंट की ऐसे नहीं होता यह एडिटिव नहीं है सिर्फ एक ही बात सही है और पता है कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं मुश्किल से तेरह सिर्फ फोर्टीन परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं फिफ्टी लोग गलत दे रहे हैं थर्टी टू परसेंट लोग भी सी कह रहे हैं फिफ्टी वन परसेंट लोग डी कह रहे हैं यानी इक्यासी परसेंट लोग गलत जवाब दे रहे हैं और इक्यासी में तीन और जोड़ लो आप चौरासी परसेंट लोग मतलब कमाल कर दिया यार अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको पता लग गया कि गलत दे रहे हो देखो तो यहाँ पे आंसर होगा द रलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव यानी साथियों का साथी किसका उदाहरण है एनवायरमेंट का है ना एनवायरमेंट और जेनेटिक मेकअप का योगदान संभव नहीं है यानी हेरिडिटी और एनवायमेंट को जोड़ नहीं सकते हैं हम ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी एनवायरमेंट लिखना चाहिए था यहां को जोड़ नहीं सकते एडिटिव नहीं होता मल्टीप्लीकेटिव होता है प्रोडक्ट है आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एडिशन नहीं है दो और दो चार नहीं है फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड नहीं है डेवलपमेंट बल्कि किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी में एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करेगा जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में तो वहां एनवायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है अगर एजुकेशन की बात करें न्यूट्रिशन की बात करें ट्रेनिंग की बात करें तो एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है वहीं आपकी अगर हम इंटेलिजेंस की यानी आपके बुद्धि की बात करें आपके टेम्परामेंट की बात करें आपके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें आपके आंखों के रंग की बात करें अगर आपके बालों के टाइप की बात करें आपकी आवाज़ की बात करें तो वहां हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कुछ एरियाज में कुछ क्षेत्र में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहीं दूसरे क्षेत्र में एनवायरमेंट यानी पर्यावरण ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है तो ये प्रोडक्ट हैं आप इसको गुणनफल कहेंगे कि विकास जो आपका विकास है वो गुणनफल है और वातावरण का ना कि वो योग है जोड़ नहीं है और गुणनफल में आप देखिएगा हेरिडिटी और अगर आपने यहां लिखा है ये नहीं कह सकते 50 ये 50 ये तो फिर तो फिर गुणनफल पच्चीस सौ बन जाएगा है ना सौ तो बनेगा ही नहीं फिर तो अगर हम देखें ये तो ये बात गलत है कि फिफ्टी परसेंट हेरिडिटी और फिफ्टी परसेंट देखिए कहने में वो बात समझने के लिए है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इक्वल रोल है या महत्वपूर्ण है दोनों ही इक्वल भी कहना गलत होगा कि महत्वपूर्ण है दोनों लेकिन वो प्रोडक्ट है एडिशन संभव नहीं है ये एडिटिव होते ही नहीं है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये केवीएस के लेवल का क्वेश्चन है या ये बाकी जगहों का क्वेश्चन है ये लैंग्वेज तो आपको नहीं लगेगी बट इस तरह से पूछा जा चुका है है ना ऐसा नहीं कि केवीएस का क्वेश्चन उठा के करा दिया है आपको बट इस टोन पे क्वेश्चन एडिटिव पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट जगहों पर चलिए आउट ऑफ थर्टी कितने आपने ठीक किए ये पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगी और कल वाली भी शेयर हो जाएगी थर्टी आउट ऑफ थर्टी टू बेसिकली कितने आपने स्कोर किए आज के सेशन में ये आप कमेंट्स में बताएंगे कहीं आपका कोई डाउट रह गया हो वो आप बताएंगे जो भी सेशन चल रहे हैं शाम को नौ बजे हम मिलेंगे अब आज थोड़ा सा लेट अगेन हो गया था बट आ, कोशिश रहेगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा कॉमेंट्स में अपने विचार बताइएगा ये करियर वो लैब पर आप बैच में इनरॉल हो सकते हैं अगर अभी भी आपको लगता है कि बैच की आपको आवश्यकता है चलिए आज के लिए इतना ही रखें कल का टॉपिक मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मैंने कहीं पे लिखा तो हुआ था सोचा था इस बारे में कल तो कि कल क्या टॉपिक रहेगा मैं एक बार बताती हूँ आपको एक मिनट का टाइम मुझे दीजिए मैं एक मिनट में बता रही हूँ टीम से बात कर भाई कल करेंगे हम थर्टी बाय थर्टी जो मिक्स क्वेश्चन है ना सीडीपी के वो करेंगे थर्टी बाय थर्टी में हम थर्ड चैप्टर या थर्ड वो करेंगे मतलब थर्ड क्लास है आपकी थर्टी आउट ऑफ थर्टी वाली तो मिक्स क्वेश्चन हैं कल तो आप आप कुछ खास प्रिपेयर करके आ नहीं पाएंगे क्योंकि आप मैराथन देख लीजिएगा कल के लिए या नोट्स पढ़ लीजिएगा जो फ्री नोट्स आपको दिए हुए हैं टेलीग्राम पे भी और यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है ना चलिए तो धन्यवाद बहुत मजा आया आप लोग के साथ एनर्जी काफी लगी बट नहीं कल की बात हो रही है मैडम नशे सस्ते मत क्या करूँ <laughs> आज के ऑप्शंस तो बहुत कंफ्यूजिंग थे वैसे ठीक ही है थोड़ा हाँ अभी वो समय है ना कि आप थोड़ा सा ब्रेन कर लें क्योंकि इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही तो नाटक था नहीं तो टॉपिक तो बिल्कुल सेम है मैं कभी भी वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस कभी कुछ नहीं कराती अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो मेरा नेचर नहीं है ठीक है ना चलिए धन्यवाद रूमा आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं नौ बजे थैंक यू सो मच थर्टी बाय थर्टी करेंगे प्रैक्टिस अपना क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया डेवलप करना है मेन चीज वो है कि पढ़ के समझ गए तो आधी बैटल जीत लिया आपने ठीक है ना चलिए ठीक है ओके बाय गुड नाइट